الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

अहमद लाहीमद तमाम तारीफ़ लाही अल्लाह के लिए है रबिलमीन जो तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है अर्रहण बेहद मेहरबान अर्रहीम नहायत रहम करने वाला है मालिकी यौम्दीन मालिक है रोज़ जजा का मालिक है बदले के दिन का या का हम तेरी ही इबादत करते हैं हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं व्याया का नस्तीन और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं इह दिन सरातलमस्तकीम दिखा हमें सीधा रास्ता हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की सरात लवीनाम तलम उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम तो ने इनाम कियामजूबिम ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ वलॉ लीन और ना गुमराहों का रास्ता सिा की एक मशहूर किताब सुनाबिन माजा में, मेंबन माजा अलैह ने हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ील से रवायत किया है रसुलकरम सल्ला वसलम इरशाद फरमाते हैं कि अबूज़र अगर कोई शख्स क़र करीम की एक आयत तलावत करना बगैर मतलब जाने बगैर तफसर जाने उसके हरूफ़ की सही अदायगी के साथ एक आयत को पढ़ना सीख ले अल्लाह रब लज़त उसे सौ रकात नमाज पढ़ने वाले आबिद से बड़ा सवाब अता फ़रमाते हैं और अगर कोई शख्स एक आयत तर्जमे और तफसीर के साथ सीख ले तो अल्लाह रब लज़त उसे एक हज़ार रकात नमाज पढ़ने वाले आबिद से बड़ा दर्जा अता फ़रमाते हैं क़ुरान करीम की तिलावत करना ये सवाब है हर हर्फ पर दस नेकियां मिलती है और क़ुरान करीम की तिलावत के सुनने पर भी सवाब है हर हर्फ पर दस नेकियां मिलती है तो पहली चीज़ हमने सूरत फ्फात के अल्फाज की तिलावत की उसके हरूफ़ पढ़े जिसके हर हर्फ पर दस ने किया ये मुस्तकिल आज्र और अगर हमने इस सबक़ को सीखा तजवीद के साथ सही हरूफ़ की अदायगी के साथ सूरतलफ़ातहा भी पढ़ी गई और हमने अगर पढ़ना सीखा तो एक आयत सीखने पर अल्लाह सौ रकात नफल नमाज़ पढ़ने का सवाब अता फ़रमाते हैं और हमने तर्जमा भी जाना अब इसकी तफसीर होंगी अगर हमने इस तरजमे को और तफसीर को सीखा तो हर आयत पर एक हज़ार रकात नमाज पढ़ने वाले आबिद का सवाब मिलता है एक हज़ार रकात नमाज पढ़ना कोई सवाब की चीज़ इसलिए कि इल्म नूर है और नूर में सफ़र तय होता है मंजिलें हासिल होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ियात की मंजिल उसकी रजा व खुशनुदी के हासिल करने की मंजिल इस मंजिल तक पहुंचना है तो रोशनी की ज़रूरत है और रोशनी नूर है और ये वो नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ताकद से निकला है मज़ी की कौमों को जो किताबें मिली थी वो किताबुल्लाह थी तौरात किताबुल्लाह थी इंजील किताबुल्लाह थी ज़बूर किताबुल्लाह थी सहूफ़ इब्राहिम हज़रत इब्राहिम के सहीफे, सहीफे यानी छोटी छोटी किताबें वो भी किताबें थी अल्लाह किताब थी एक क़ुरान मजीद है जिसकी शान ये है जिसकी अजमत ये है कि ये अल्लाह है इंसान कोई चीज़ लिखता है तो वो उसकी किताब होती है वो उसको उसने बनाया है लेकिन जो बात निकलती है जो कलाम होता है किसी इंसान का वो उसने बनाया नहीं होता है वो उसकी जात से निकलता है बात करना इंसान की सिफत होती है जैसे खाना सिफत है पीना सिफत है देखना सिफत है ये एक अमल है इंसान का ऐसे कलाम भी उसकी एक सिफत है उसका एक काम है जो उसकी जात से निकलता है अल्लाह इज़्ज़त ने आसमानों को बनाया चाद सूरज को बनाया सितारों सारों को बनाया ज़मीन बनाई पहाड़ बनाए अर्श बनाए कुर्सी बनाई लोह कलम बनाए जन्नत जहन्नम बनाए गलमान बनाए इंसान बनाए मर्द बनाए औरतें बनाईं अल्लाह इज़्ज़त ने आम इंसान बनाए आला इंसानों को बनाया अलिया को पैदा किया और सहाबा को पैदा किया और अम्बिया को पैदा किया और सरदार अम्बिया को पैदा किया ये सारे अल्लाह ने वजूद अता किए पैदा किए बनाए सब मखलूक़ है सब मखलूक़ है अल्लाह इज्जत की बनाई हुई इस सारी कायनात में हज़रत आदम से लेकर और हज़रत आदम के और पहले जब इंसानों को बनाने के पचास हज़ार साल पहले अल्लाह ने इस कायनात की तकदीर लिखी उस तकदीर के लिखने से पहले अल्लाह ने क़लम बनाया वो क़लम भी वजूद अता किया पैदा किया उससे पहले अल्लाह का अरश था उसकी कुर्सी थी पानी था ये सारी की सारी मखलूक़ अल्लाह ने पैदा की है लेकिन इस सारी मखलूक़ इस सारे वजूद कायनत में एक क़र करीम शय है जो मखलूक़ नहीं है जिसे बनाया नहीं गया है जिसे लिखा नहीं गया है ये अल्लाह की सिफत है अल्लाह का कलाम है अल्लाह की ज़ात से निकला है तो क़ुरान करीम की अज़मत इसका तकद्दस इतना अज़ीम शान है कि क़ाबा भी मखलूक़ है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक़ है कुरान मखलूक़ नहीं है हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है और मतसम बिल्ला खिलाफ़त अब्बासिया का बादशाह है और सरकारी दरबारी उलमा ने एक कामयाब मौलवी की एक दिलों पर हुकूमत करने वाले दिलों के बादशाह हज़रत इमाम अहमद इबन हम्बल रहाम आल की मकबूलीत से हसद करते हुए बादशाह के कान भरे और इमाम अहमद के मुखालफत में सल्तनत को खड़ा करने के लिए खल़ कुरान का फितना निकाला सब ने उसके कान भर के कहा कि कुरान मखलूक़ है आप ये सरकारी फतवा जारी कर दीजिए जो ना माने उसके लिए सज़ा का ऐलान कीजिए जिसने नहीं माना पता चला कि वह आपकी सल्तनत को तोड़ना चाहता है उसकी मुखालफत करता है उसका बा़ी है हज़रत इमाम अहमद इबन हम्बल को बुलाया गया आप ऐलान करिए कि कुरान मखलूक़ है इसलिए कि बादशाह की हुकूमत तो इंसानों के जिस्मों पर है आप वो बादशाह है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं और अकीदे का ताल्लुक़ दिल से है जब तक आप अपनी ज़बान से क़ुरान को मखलूक़ नहीं कहेंगे मुसलमान कुरान को मखलूक़ नहीं मानेंगे उनके दिलों में अक़दा नहीं बैठेगा आपको कहना चाहिए हज़रत इमाम अहमद ने कहा कि क़र्न मखलूक़ नहीं है क़र्न अल्लाह का कलाम है अल्लाह की सिफत है मखलूक़ को फ़ना है मखलूक़ में कमी कोताही है मखलूक़ में नक्स है ऐब है एक ना एक दिन मखलूक़ को ख़त्म होना है क़र्न करीम ये मखलूक़ नहीं है इसमें ऐब नहीं है इसमें कोई खोट नहीं है इसको फ़ना नहीं है जैसे अल्लाह की हर सिफत कामिलोम मुकम्मल है अल्लाह की सिफत कलाम भी कामिलोम मुकम्मल है जैसे अल्लाह की ज़ात फ़ना नहीं होने वाली है उसकी सिफ़ात फ़ना नहीं होने वाली है कुरान भी वो सिफत है जो फ़ना नहीं होने वाली है इसमें भी कोई ऐब कोई कमी कोई नक्स नहीं है तो वो क़र मजीद क्यों ना फज़ीलत रखे सबसे बढ़कर जिस क़ुरान को इस सारी वजूद कायनत में सबसे अजीम शान हासिल है सबसे नुमाया वफ़ हासिल है तो इस कुरान के एक आयत के पढ़ने पर सौ रकात के पढ़ने से ज़्यादा सवाब और फजीलत हासिल होती है जिस फज़ीलत को हम हासिल करेंगे और हर आयत को पढ़ना सीखेंगे हर आयत का तर्जमा सीखेंगे उसकी तफसर सीखेंगे ताकि इस रमज़ानमबारक में बड़े बड़े आबिदों के मुकाबले में अल्लाह रब इज़त हमें अज़्राम अता फ़रमाए सौ रकात की तहकीर नहीं हो रही है एक हज़ार रक़ातों को कम नहीं बयान किया जा रहा है उसकी फज़ीलत अपनी जगह उसका मकाम व मरतबा अपनी जगह दीगर वजाइफ दीगर मामूलत अपनी जगह नफल नमाजों की फजीलतें अपनी जगह लेकिन कुरान करीम इसकी शान अपनी जगह इसका मकाम अपनी जगह ये मतलब नहीं है कि कुरान पढ़ रहे हो तो अब सारे नवाफिल छोड़ दिए जाए नवाफिल का अहमाम अपनी जगह है जिसके अज़र इनाम को हासिल करना है लेकिन कुरान करीम की फजीलत और इसका अज़र इनाम भी ज़ाया नहीं करना है इससे भी महरूम नहीं रहना है तो तफसर क़ुरान क़र करीम के अहकाम और मजामी का सीखना और जानना इतनी बड़ी फजीलत की चीज़ और रम़ानमबारक को वसूल करने का ये अजीम शान मौका है कि इस मौके से रमज़ानमबारक को कामयाबी के साथ वसूल किया जाए तर्जमा पढ़ा गया आगे तफसर समात फरमाए अलूदबिल्लामिनशानजीम रसूल पर क़ुरान करीम की आयत नाजिल हुई अल्लाह इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया फ़ैज़ा करातरा फ़स्त आइ़बिल्मिन शैतम ए नबी अलैहि वसम जब आप मजीद के पढ़ने का इरादा फ़रमाएँ फ़स्त आइज़ बिमिन तो अल्लाह की पनाह हासिल करिए शैतान मरदूत से शैतान के फितन से अल्लाह की पनाह में आ जाइए ये आयत के नाजिल होने से पहले कुरान करीम की तिलावत से पहले सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती थी जब ये आयत नाजिल हो गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अब से शैतानिर रजीम भी पढ़ा करो जिसे तव़ कहते हैं अला शरीयत में इसे तवाज़ कहते हैं यानी अल्लाह की पनाह हासिल करना क्यों पना हासिल करना है इसलिए कि शैतान नेकियों का दुश्मन है शैतान ने अहद और वादा किया है कि अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते में आकर बैठूँगा लाकन सरा तकल मुस्तकीम मैं तेरे सीधे रास्ते में आकर बैठूँगा और सीधे रास्ते पर जो लोग चलेंगे उन्हें बहकाऊँगा शैतान ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी गुमराही की रास्तों पर बैठूँगा गुनाहों के रास्तों पर बैठूंगा ये नहीं कहा उसने कहा कि सीधे रास्तों पर बैठूंगा और सूरतफ़ा ये सूरत है जिसमें स़रात मुस्तकीम की दुआ सिखाई गई और इस दुआ की कबूलीत सूरतुल्बरा से लेकर सूरत नास तक पेश की गई तो स़रा मुस्तकीम मिलेगा क़ुरान से अल्लाह की सीधी राह मिलेंगी क़ुर मजीद से तो कुरान जब सीधा रास्ता दिखाने वाला है और सीधे रास्ते पर शैतान आकर बैठने वाला है तो सबसे पहले अदबिल्लामिन रजीम पढ़ो ताकि शैतान जो सीधे रास्ते पर यानी क़ुरान के रास्ते पर आकर बैठा है उस शैतान के शरूर से हिफाजत हो जाए उसके फ़ितनों से हिफाजत हो जाए नी शैतान करने नहीं देता और अगर कर ली जाए तो उस नकी को बाकी रहने नहीं देता हमारी नेकी भी हो और नेकी बाकी भी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हम क़ुरान करीम की तिलावत से पहले तवुज़ पढ़े और शैतान वो दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते वो हमसे बहुत ज़्यादा ताक़तवर है हमसे बहुत ज़्यादा उसे हासिल है जब इतने बड़े इक्तियारात का शैतान मालिक इतनी ज़्यादा ताकत उसकी वो हमें देखता है इन्नाकुम हुआ व वह मिन हैथु ला तरउन वो और उसका लश्कर हमें देखता है हम उसे नहीं देख सकते ऐसे वक्त में उस शैतान के शर से उस दुश्मन के हमले से कैसे बचा जाए बचने का एक रास्ता है कि जो शैतान को देखता है उसकी पनाह में आ जाओ जो शैतान से ज़्यादा ताकत वाला है उसकी हिफाजत में आ जाओ जिसके इख्तियार शैतान से बहुत ज़्यादा है उस बाबरकत अल्लाब्ज़त की पनाह में आ जाओ वो बचा ले तो ही बचने का रास्ता है वरना बचाओ कि और कोई राह नहीं है इसलिए पढ़ा जाता है आगे बसमिल्लर पढ़ा जाता है यह बिसमिल्लर क्या है यह क़रन करीम की एक मस्तिल आयत है कुरान की आयत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे हर सूरत के शुरू में रखने का हुक्म दिया है इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल अम्रिन रीबालिन लम युब लम युबदा बिबिस्मिल्लाहि फहुवा अक्ता औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर जीशान अमल हर मोहतम अमल, हर आज़मत मक़ाम वाला अमल, जिसे बिसमिल्लर से शुरू ना किया जाए वो अख़ता है वो कटा हुआ है वो अबतर है वो ऐबदार है वो नाक़ है तो हर काम को बसमिल्लर से शुरू करना चाहिए ये यह अल्लाहरबुल्ज़त का हुक्म है लिहाजा इसे मुस्तकिल आयत के तौर पर नाजिल किया गया और हर सूरत के शुरू में इसे रख दिया गया इमाम शाफ़ी रमतल आल के नज़दीक हर सूरत की पहली आयत बसमीम है जैसे सूरतलफ़ातहा है तो बसमिल्लर इसकी पहली आयत है अल्हदल रबालमीन दूसरी आयत और तीसरी आयत मालिकदीन चौथी आयत इ्या का नाबुदया कस्तिन पाँचवी आयत इस दिन उसरातमस्तकीम छठी आयत और फिर सरातलानम तोम गैरमूबल व्लिन तक सातवी आयत इसलिए नमाज में भी इमाम शाफ़ रहमत ला के नज़दीक तिलावत से पहले रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है इसलिए कि वो क़ुरान में सूरत-ul-फातिहा की पहली आयत है उनके नज़दीक और हर सूरत के शुरू में रहमानिर रहीम कुरान की पहली आयत उस सूरत की पहली आयत है लिहाजा जब कोई सूरत शुरू की जाए तो वहाँ रहमानिर रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना उनके यहाँ ज़रूरी है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रम्आ के नज़दीक बिसमिल्लर रहीम सूरत की पहली आयत नहीं है क़ुरान करीम की मुस्तकिल आयत है सूरत की पहली आयत नहीं इसलिए उनके यहाँ अलहदिल्लाबालमीन यूरतलफ़ की पहली आयत है और रहीम दूसरी आयत मालिक्दीन तीसरी आयत इहदिनत इया का नबुदोया का नस्तीन चौथी आयत और इह दिनसरातलमस्तकीम पाँचवीं आयत और सरातल लवीनालिम यह छठी आयत हम अपने कुरान करीम में देखें यहाँ पाँच बना हुआ है उर्दू का पाँच और उसके नीचे छः लिखा हुआ है उर्दू का पाँच है उसके नीचे छः लिखा हुआ है यह छठी आयत यहाँ पर मुकम्मल हो रही है और फिर गैरलमूबलिन ये सातवीं आयत इस तरह सूरतलफ़ातहा में सात आयतें नाजिल हुई फिर इमाम अजम हनीफा रहा आल के नज़दीक भी बसमलर रहीम पढ़ना हर सूरत से पहले ज़रूरी है लेकिन चूँकि ये सूरतुलफ़ा की आयत नहीं है कुरान की मुस्तकिल आयत है और तिलावत क़ुरान पाक में सूरत का पढ़ना वाजिब है और सूरह अल फातिहा में जब बिस्मिल्लाहिर शामिल नहीं है तो तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर को आहस्ता पढ़ना है लिहाजा اعوذ بالله मिन शैतानिर रजीम पढ़ना बिस्मिल्लाहिर पढ़ना सूरह अल फातिहा से पहले ये मसनून है सुन्नत है नमाज की सुन्नत है तिलावत की सुन्नत है और जब सूरतफ़ातहा के बाद दूसरी सूरत शुरू करे तो वहाँ भी बसमलरिम पढ़ना मसनून अमल है सुन्नत है ये दोनों चीज़ें बतला दी गई बसमिल्लर रहीम का मतलब क्या है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है बिसमिल्ल यह बी का मतलब है से इसम यानी नाम अल्लाह 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 के नाम से अल्लाह के नाम से अर्रहान जो बेहद मेहरबान और अर रहीम जो नहायत रहम करने वाला है लेकिन हमने शुरू में कहा कि शुरू करता हूँ ये शुरू करता हूँ क्यों लगाया गया इसलिए कि कर्न करीम की तिलावत शुरू की जा रही है क़रआन शुरू किया जा रहा है इसलिए कहा है शुरू करता हूँ जब जिस मौके पर जो काम हम करेंगे और उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम पढ़ेंगे तो वहाँ शुरू करता हूँ नहीं कहा जाएगा, वहाँ जो काम किया जा रहा है वो लगाया जाएगा जैसे खाना खा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू किया तो इसका मतलब क्या होगा आकुलू बसमलर मैं के नाम से खाता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं रहमानिर रहीम पढ़कर तो मतलब होगा रहीम मैं दाखिल होता हूँ हम पानी पियेंगे तो क्या हो मतलब होगा अशरबु रहमानिर रहीम के मैं पानी पीता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और अब आगे जब तिलावत करेंगे वहाँ जब रहमानिर रहीम पढ़ेंगे तो मतलब होगा रहमानिर रहीम कि मैं तिलावत करता हूँ क़ुरान करीम पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम से पहले शुरू करता हूँ कि ये तारीख़ है उसका ये मतलब है अर्रह्म अल्लाह अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है अल्लाह के बहुत सारे सिफ़ाती नाम हैं मशहूर नाम नन्यानवे है और वही इलाही से अल्लाह इज्जत के जो नाम बतलाए गए हैं वो पाँच हज़ार है पाँच हज़ार नाम जो सबका किताबों में तवरात में ज़बूर में इंजील में हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा के सहीफों में क़रन करीम में इन सारी किताबों में वही इलाही के ज़रिए अल्लाह के जितने नाम बतलाए गए हैं उनकी तादाद पाँच हज़ार ये तो वो है जो बतला दिए गए वरना अल्लाह रब्लत के वो नाम जिनके इदराक जिनके इल्म जिनके शूर अल्लाह रब्ज़त क़्यामत तक खोलते रहेंगे बंदों पर और अपनी खूबी और कमालत का मुज़ाहरा करते रहेंगे वो सब उससे ज़्यादा उससे बढ़कर है जो बतला दिए गए वो पाँच हज़ार और क़र करीम के अंदर रसोल रबी सल्ला वम के फ़राम में निन्यानवे मशहूर नाम बतलाए गए इसके अलावा भी बतलाए गए एक नाम अल्लाह अल्लाहज़त का जाती नाम है बकिया सब उसके सिफाती नाम है ज़ाती नाम यानी प्रॉपर नाउन उसका ज़ाती नाम जैसे किसी का नाम खालिद है किसी का नाम शाहिद है किसी का नाम सईद है यह उसका जाती नाम है लेकिन वो सच्चा है वो ईमानदार है व अमानतदार है वो अच्छी आवाज़ वाला है वो ख़ूबसूरत है वो वादे का पाबंद और सच्चा है वो भूल जाता है या वो याद रखता है ये उसके सिफाती नाम है उसका ज़ाती नाम एक है तो अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह अर्रहमान बेहद मेहरबान अर रहमान का मतलब क्या होता है अर रहमान का मतलब होता है बग़ैर मांगे देने वाला बिना मांगे रहम करने वाला तो उसके रहमान होने के मज़ाहिर देखिए हम आप मौजूद है हमने इंसान होने की दरख्वास्त पेश नहीं की थी अल्लाह से कि अल्लाह हमें इंसानों में पैदा फरमा ये अल्लाह इज़्ज़त से हमने नहीं मांगा था फिर हमने अल्लाह से ये नहीं मांगा था कि अल्लाह मुसलमानों में पैदा फरमा फिर ये नहीं मांगा था कि हमें सही सलामत आँखें अता फरमा खूबसूरत नाक अता फरमा होठ अता फरमा आजा व जवार सही साली मता फरमा अक्लोशर मुकम्मल फरमा ये सब हमने नहीं मांगा था बग़ैर मांगे अता करने वाला उसे रहमान कहते हैं और ये सिर्फ़ अल्लाह की शान हो सकती है बंदे की शान नहीं हो सकती लिहाजा किसी बंदे को रहमान कहकर पुकारना जायज़ नहीं उसे रहमान कहिए उसे फजलुर रहमान कहिए उसे इबादुर रहमान कहिए अताउर रहमान कहिए रहमान कहिए जमालुर रहमान कहिए ये सारे नाम उनके रख सकते हैं रहमान कह कर नहीं पुकारा जा सकता बंदे को रहमान नहीं कहा जा सकता इसलिए कि बंदा रहमान नहीं हो सकता रहमान का एक और मतलब यह है सब पर रहम करने वाला और बंदा सब पर रहम नहीं कर सकता बंदे की हैसियत नहीं है कि वो सब पर रहम करे आज देखे दुनिया के अंदर मुसलमान पर भी रहम है काफिर पर भी रहम है इबादत गुजार पर भी रहम है इताद गुजार पर भी रहम है नाफरमान पर भी रहम है उसके रहम के क्या कहने के बाग़ियों को भी वो दो वक्त का लुकमा और खाना बराबर दे रहा है सांसों का चलना और रुकना ये अल्लाह रब्ल का कितना बड़ा रहम है जिससे अल्लाह का नाफ़रमान भी महरूम नहीं है तो उसे रहमान कहते हैं जिसका रहम सब पर आम है कोई उसके रहम से महरूम नहीं है इसलिए एक तफसीर में बयान किया गया अर रहमान फ दुनिया अल्लाह रब की सिफ़त रहमान का मुजाहरा दुनिया में होता है कि बंदा अल्लाह रब्ज़त की रहमत से उसकी शान रही से दुनिया में भरपूर इस्तः करता है भरपूर फ़ायदा हासिल करता है वह है अर्रहमान अर्रहमान फ दुनिया लेकिन रहीम का क्या मतलब है अर रहीम अर रहीम फिल आखिर रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रहीम का मुजाहरा होगा आखिरत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में अपने बंदों पर रहम करेगा क्यों आख़िरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रहमत का मुजाहरा होगा इसलिए कि रहीम का मतलब होता है पूरा रहम करने वाला रहीम का मतलब होता है पूरा रहम करने वाला और पूरा रहम कब होगा पूरा रहम आखिरत में होगा और किन पर होगा सिर्फ़ मुसलमानों पर होगा आखिरत में सब पर रहम नहीं होगा इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त रहमान का मुजाह़रा आखिरत के लिए नहीं है दुनिया के लिए है आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों पर रहम होगा और कितना होगा पूरा होगा इतना रहम होगा इतना रहम होगा कि रहम के लिए अल्लाह बहाने तलाश करेंगे और कैसे बहाने तलाश करेंगे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त एक बंदे को हुक्म फरमाएंगे कि जा जहन्नम में चला जा वो दौड़ता हुआ भागता हुआ जहन्नम की तरफ़ भागेगा अल्लाह रबुल्ज़त उसे बुला कर पूछेंगे तू भागता हुआ क्यों गया वो कहेंगा कि अल्लाह दुनिया में तो तेरी बात नहीं मानी सोचा आज ही तेरी बात मान लो इसलिए भागता हुआ जा रहा हूँ अल्लाह रबुज़त उस पर रहम फरमाएंगे उसकी मखफ़रत फरमा देंगे तो क्या रहम के अंदाज़ है वो अपने इरादे से भागा था जहन्नम की तरफ वो अपने इरादे से अपनी ख़ुशी से भाग रहा था नहीं अल्लाह की तोफ़ी से भाग रहा था अल्लाह का इरादा था उसकी मगफ़रत करने का इसलिए अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया कि जहन्नम की तरफ भागता जा उसके पैरों को भगाया है जहन्नम की तरफ और फिर जब अल्लाह ने सवाल किया तो अल्लाह ही ने जवाब उसके दिल में और उसकी ज़बान पर डाला कि कह दे मेरे बंदे कि मैंने दुनिया में तेरी नाफरमानी की सोचा आज ही तेरी मान लो ये अल्लाह ही ने उसकी ज़बान से जारी करवाया और फिर मुआवी कर दिया बख्श दिया तो उसके रहीम होने के उसकी सिफत रहीम के मज़ाहिर आखिरत में ऐसे अजीम व शान होंगे कि अल्लाह रब्ल ऐसे नवाजेगा ऐसे रहम फरमाएगा एक शख्स होगा जिसके पास एक नेकी कम होगी तराजू के अंदर पड़े के अंदर नेकियाँ तोली जाएंगी वज़न किया जाएगा, एक नेकी अगर गिर जाए तो नकियों का पड़ा भारी हो जाए अल्लाह फरमाएंगे जाओ और नेकी लेकर आओ जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं योम या फिरमर उमिन नकीह आदमी उस दिन अपने भाई से भागेगा व उम्मी ही व बीह अपनी माँ से अपने बाप से भागेगा वह साहिबती ही व बनी अपनी बीवी से अपने बच्चों से भागेगा क्यों पता नहीं कौन नेकी मांग ले पता नहीं कौन अपने हक़ हाँ का दावा कर दे इसलिए भागेगा कोई नेकी नहीं ने देगा आख़िरत में यह अल्लाह ने दुनिया में बतला दिया कुरान करीम में अब अल्लाह आख़िरत में कह रहे जाओ नेकी लेकर आओ क्यों नकी लेकर आओ कह रहे अल्लाह जबकि कोई नेकी देने वाला नहीं है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा है कि इस बहाने किसी एक और की भी मफफरत करना है इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे नेकी लेने के लिए दौड़ाएगा सबके पास जाएगा सब इनकार करेंगे मना करेंगे उसकी बेचैनी और परेशानी को देखकर एक शख्स उसका हाल दरियाफ्त करेगा किस दिन हाल दरियाफ्त करेगा युगनी जिस दिन हर शख़्स की एक ऐसी हालत होंगी जो उसे अपने अलावा सबसे बेनियाज कर देगा हर एक को अपनी फ़िक्र होगी, दूसरे से इंसान बेनियाज होगा यह कुरान आख़िरत के दिन की हकीकत को बयान कर रहा है लेकिन उस बेनियाजी के दिन एक नियाजमंद उसे पकड़ लेगा और उससे पूछेंगे भाई क्यों परेशान हो क्या तकलीफ़ है क्यों इधर उधर दौड़ रहे हो वो कहेगा कि एक नेकी का सवाल है मेरा काम बन जाएगा कोई नेकी नहीं दे रहा है वो बंदा कहेगा भाई मेरे पास तो एक ही नेकी है और मेरा उस एक नेकी से तो काम नहीं बनना है तुम ले लो शायद तुम्हारा काम बन जाए वो एक नेकी उसे दे देगा ये ख़ुशी ख़ुशी अल्लाह के दरबार में पहुँचेगा कि अल्लाह नेकी मिल गई अल्लाह नेकी मिल गई अल्लाह पूछेंगे किसने दी नेकी मैंने तुझे एक नेकी की वजह से जन्नत से रोक दिया और वो कौन है सखी जो आज मुझसे भी ज़्यादा सखावत में बढ़ने लगा है ले आओ उसे उसे लाया जाएगा अल्लाह उससे पूछेगा कि क्यों की दी है तुमने वो कहेंगा कि अल्लाह एक नेकी मेरे पास थी इससे मेरा तो काम नहीं बनना था एक नेकी की वजह से इसका काम रुक जा रहा था सोचा कि इसे दे दूँ शायद इसका काम बन जाए अल्लाह फरमाएगा कि आज मुझसे ज़्यादा मेहरबान कोई नहीं हो सकता आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं बन सकता जा तुझे भी बख्श दिया तू भी जन्नत में चला जा तो ये अल्लाह इज़्ज़त की सिफ़त रहीम के मज़ाहिर है और कैसी अजीम शान उसकी रहमतें हैं जन्नती जन्नत में चले गए जहन्नमी जहन्नम में चले गए एक जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीख रहा होगा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होगा रब या रब या रब चिल्लाएगा फरिश्ते तो गूंगे बहरे होंगे जहन्नम के वो जो मार रहे होंगे उन्हें सुना ही नहीं देगा वो गूंगे बहरे होंगे उसकी चीखने की आवाज़ अल्लाह सुनेगा फिर अल्लाह इज़्ज़त फ़रिश्ते को भेज कर उसे बुलवाएंगा उससे पूछो कि क्यों परेशान हो रहे हो क्यों चिल्ला रहे हो वो कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है यहां के अजाब बड़े सख्त है मुझे जहन्नम से बाहर निकालो अल्लाह इज़्ज़त फरिश्ते को हुक्म देगा कि इसे जहन्नम से बाहर निकालो जहन्नम से बाहर निकल जाएगा फिर चिल्लाएंगा फिर कि अल्लाह जहन्नम की गर्मी बहुत सता रही है इसकी लू और तपिश मुझे खा रही है मुझे जहन्नम से दूर करो अल्लाह रब्ल उसे जहन्नम से दूर करेगा फिर और चिल्लाएगा अल्लाह पूछेंगे अब क्यों चिल्ला रहा है वो कहेगा कि अल्लाह जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा दे एक बार जन्नत को करीब से देखना चाहता हूँ अल्लाह उसे जन्नत के करीब करने का हुक्म देगा जन्नत के पास आ जाएगा फिर कहेगा फिर चिल्लाएंगा अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा अब क्या है वो कहेगा कि अल्लाह एक बार जन्नत में जाकर देख कर वापस आना चाहता हूँ बस अंदर जाऊँगा देखूँगा और वापस आ जाऊँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाएंगे इसके बाद तो कुछ नहीं कहेंगे ना ये आखिरी मुतालबा है तेरा वो कहेंगे हाँ अल्लाह आखिरी मुतालबा है बस जन्नत में दाखिल कर दे देख कर वापस आ जाऊँगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करने का हुक्म देगा अल्लाह फरमाएंगा देख ली मेरी जन्नत चलो वापस जाना है जहन्नम में वो कहेंगे अल्लाह मैंने दुनिया में सुना था कि जब आप किसी को एक बार जन्नत में दाखिल कर देंगे तो फिर जन्नत से बाहर नहीं निकालेंगे यह उसके रहीम की शान है यह उसकी सिफत रहीम के मज़ाहिर है कि अल्लाह कैसा होशियार बनाएगा जहन्नम में कैसी चालाकियाँ उसे अता करेंगा क्योंकि उस पर रहम का फैसला हो गया है उस पर अता और नवाजिश और बख्शिश का फ़ैसला हुआ है लिहाजा अल्लाह इज़्ज़त वहाँ हुक्म देंगे कि अब इसे जन्नत का फैसला हो गया है और इसे जन्नत में दाखिल कर दो उसे फिर उसके महलात दिखाए जाएंगे उसके बाग़ात दिखाए जाएंगे, उसके हुर गिलमान दिखाए जाएंगे, उसकी अल्लाह रब्ज़त अपनी नमतों से इस्तें का उसे मौका ता फ़रमाएंगा यह उसकी सिफ़त रहीम की शान है अर्रहीम। अर्रहीम पूरा रहम करने वाला और अल्लाह पूरा रहम फरमाएगा जन्नत में और सिर्फ मुसलमानों पर काफिर पर रहम नहीं होगा काफिर के साथ तो इंसाफ होगा दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमारे साथ भी इंसाफ का फैसला ना करे अगर अल्लाह इंसाफ का फैसला करने पर आ जाए तो सब हलाक हो जाएंगे सब बर्बाद हो जाएंगे इसलिए कि हमने अपनी कामयाबी और नजात के लिए क्या तैयार कर रखा है हमारे पास क्या सामान है हमने तो हलाकत के बीज बो रखे हैं अगर हलाकत का फ़ैसला हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे हम बर्बाद हो जाएंगे अगर अल्लाह ने इंसाफ़ कर लिया तो गए हम काम से अल्लाह से रहम की भीख मांगनी चाहिए अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपनी सिफत रहीम का हम पर मुजाहरा फरमा उसकी शान से इस्तें की हमें तोफ़ीक़त फरमाऊ हाँ रहीम इंसान हो सकता है किसी इंसान का नाम रहीम रख सकते हैं अब्दुल रहीम भी रख सकते हैं फजल रहीम भी रख सकते हैं और रहीम भी रख सकते हैं इसलिए कि बंदा पूरा रहम कर सकता है एक बंदे में जितना रहम है वो पूरा रहम लुटा सकता है किसी पर बंदा अपनी औलाद पर मेहरबान होता है बीवी पर मेहरबान होता है पड़ोसियों पर मेहरबान होता है इंसानों पर वो रहम करता है तो जितना उसके अंदर रहम है वो सब उंडेल सकता है किसी पर हाँ सब पर रहम नहीं कर सकता है सब पर रहम इसकी इस्तात में नहीं है पूरा रहम इसकी इस्तात में है लिहाजा इंसान पूरा रहम कर सकता है इसलिए इसको रहीम कह सकते और रहीम का एक माना है मांगने के बाद देने वाला रहमान का माना था बिन मांगे देने वाला और रहीम का माना है मांगने के बाद देने वाला तो उससे मांगा जाए वो रहीम है वो सब कुछ अता कर सकता है अल्लाह रब्ल हर दुआ कबूल कर सकता है उसकी शान उसके इख्तियार बहुत बढ़ कर है बहुत आला है माजी में उसके बंदों ने जब उससे मांगा तो उसने क्या क्या नहीं दिया बस एक चीज़ ना मांगी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं मांगी थी वो थी हज़रत सलाम की दुआ हज़रत सुलेमान ने कहा था रबी हबली मुल्की अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फ़रमा जैसी मेरे बाद किसी को भी तो अता ना करे ऐसी बादशाहत कि मेरे बाद और किसी को ऐसी बादशाहत ना मिले ऐसी बादशाहत मुझे अता फ़रमा ये ख़ास हज़रत सुलेमान के साथ दुआ है नबी अलैहि वसल्लम को एक जिन सता रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने उसे पकड़ लिया फिर फरमाया कि मुझे भाई सलेमान की दुआ याद आ गई मैंने उसे छोड़ दिया इसलिए कि हज़रत सलेमान की दुआ थी कि मुझे बादशाहत वैसी अता फ़रमा किसी और को ना मिले आपकी बादशाहत जिनों पर भी थी जिन भी आपके इख्तियार में थे कब्ज़ कुदरत में थे रसूल अरबी अलैहि वसल्लम भी अगर जिन को पकड़ लेते तो सुलेमान अलैहि सलेमानसम की दुआ में शरीक हो जाते इसलिए आपने उस जिन को छोड़ दिया लिहाजा जिनों को कब्ज़े में लेना जिन्नात कब्ज़े में करना उसके ज़रिए जादू टोना ये सब अमल हराम हैं जिन्नात कब्जे में लेना हराम है हज़रत सैलैान की दुआ में दखल अंदाजी करना है जिसे रसूल ने भी करना पसंद नहीं किया हाँ जिन किसी से मोहब्बत करने लगे किसी की इबादतों की वजह से उससे उनस उसकाब उससे उल्फत करने लगे उससे दोस्ती कर ले तो अलग चीज़ है वो जायज़ है जिन्नात का दोस्त बनना जायज़ है उन्हें कब्जे में लेना जायज़ नहीं है उन पर मशक्क़तें डालकर उन्हें अजियतें देकर उनके तकलीफ़ देने वाली आयतें और वजीफ़े और मंतर पढ़ पढ़ कर उन्हें कब्जे में लेना इसकी इजाज़त नहीं है ये जायज़ नहीं है हराम है। जिन्ना से दोस्ती की जा सकती है कौन कौन तैयार है जिन्हों से दोस्ती करने के लिए माशाल्लाह, अल्लाह रबुल इज़त कबूल फरमाए बड़े दिल वाले बड़ी हिम्मत और ज़ुरात वाले तो बड़े लोग होते हैं हम तो जिन्हों के नाम से भी डरने वाले है जिन अगर इस घर में जिन रहते हैं पता चल जाए कोई कहे कि उधर नहीं देखना है तो डर के मारे बार बार उधर को देखने लगने वाले लोग हैं हम हम तो डरने वाले लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्ज़त सारी मखलूक का डर दिल से निकाल कर उस आली का डर हमारे दिल में पैदा फरमाए तो अर्रहरम बसमिल्लर उसकी सिफत रिफत रहीम के कितने आलीशान मज़ाहिर है हम अपने हर अमल से पहले ये आयत पढ़े बिसमरमर हमारे उस अमल में अल्लाह अल्लाब्ज़त की सिफ़त रहमान का मुजाहरा होगा हमारे उस काम में उसकी सिफ़त रहीम की शान होगी हम खाना खाएँगे वो खाना हमारे लिए रहमत बन जाएगा हम पानी पिएंगे वो पानी हमारे लिए रहमत बन जाएगा हम दुकान खोलेंगे बिसमर वह दुकान कारोबार हमारे लिए रहमत बन जाएगा घर में दाखिल होने के बाद रसोल रबी सल्ला वसम ने इशाद फरमाया कि जो शख्स घर में दाखिल हो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दरवाज़ा बंद करे शैतान कहता है अपने चेलों से कि चलो कूच करो यहाँ से अब यहाँ हमारा ठिकाना नहीं रहा ना यहाँ हमारा खाना है ना यहाँ हमारा सोना है क्यों इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया गया और जैसे ही उस रहमान और रहीम का नाम नहीं लिया जाता है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है शैतान कहता है आ जाओ अब यहाँ लॉजिंग बोर्डिंग सब है यहाँ खाना पानी यहाँ सोना यहाँ ठिकाना सबका इंतज़ाम हो गया है हमारा तो रहमान और रहीम का वास्ता देकर उसकी ख़ूबी और कमालत और उसकी कुदरत उसकी शान से इस्त का मौका है कहाँ नाम लेना है कुल री बाल हर मोहतम बिशान अवल में यानी हर जायज़ काम में हर नेकी वाले काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम पढ़ना है अगर किसी ने गुनाह के काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम पढ़ लिया अल्लाह को नाराज़ करने वाले नाफ़रमानी के काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम पढ़ लिया फ़ाहा ने बयान किया है कि अगर कोई शख्स शराब पीने से पहले बिसमिल्लर पढ़े तो वो मुरतद हो जाता है काफिर हो जाता है इसलिए कि उसने अल्लाह रब्ज़त के फ़रमान आयत मुबारक बिसमरिम का इसज़ा किया है मज़ाक उड़ाया है उसकी नाफ़रमानी के उसकी बगावत वाली राहों में उसका नाम लेकर उस काम को शुरू किया है फुका का फतवा है कि वो मुर्तद हो गया काफिर हो गया लिहाजा अल्लाह रब इज़त का नाम लेना चाहिए जिसमें लामानरिम पढ़ना चाहिए नेकी के कामों में जायज़ कामों में हर अजीम शान महतम बशान काम में अल्लाह रब् की मदद व नुसरत हासिल करना चाहिए आइए आलमीन रबालमीन फातिहा शुरू करते हैं। अलहमद हम्द कहते हैं, तारीफ को और मदह भी कहते हैं तारीफ़ को हा मीम दाल हम्द और मीम दाल हा मद्दह। हरूफ वही तीन है बस तरतीब बदल गई है हा मीम दाल पहले हा है मीम है दाल है हम्द। और मदह में पहले मीम है फिर दाल है फिर हा है दोनों के माना होते हैं तारीफ के लेकिन हमद उस तारीफ़ को कहते हैं जो उन खूबियों और सिफात पर की जाए जो सिफात और खूबियाँ ज़ाती हो किसी की जती खूबियों और सिफात पर उसकी तारीफ़ करना उसे हमद कहते हैं और मदह कहते हैं ज़ाती खूबियों पर भी तारीफ़ करने को और अताई ख़ूबियों पर भी तारीफ़ करने को हमद सिर्फ़ अल्लाह इज़्ज़त की की जाती है इसलिए कि जाती सिफात और ख़ूबिया और कमालात ये अल्लाह इज़्ज़त की जात में है बक़िया सारी मखलूक़ में तो अल्लाह ने डाली है अल्लाह नेता की है लिहाज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की भी जब तारीफ़ की जाती है तो उसे मदहत मुस्तफ़ा कहते हैं उसे नात नबी कहते हैं हमद नहीं कहते हम्द जाती सिफात को तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं और मिदहत और मद कहते हैं अताई और डाली गई और सीखी हुई और बनाई हुई खूबी और सिफात पर अगर तारीफ़ की जाए और उसके अलावा जाती सिफात को भी अल्लाह की तारीफ़ को हमद भी कहते हैं मदह भी कहते हैं लेकिन मखलूक़ की तारीफ़ को हमद नहीं कह सकते अल ये जो अलीफ लाम आया है इससे पहले ये अल है के लिए हसर का मतलब होता है उन सारी ख़ूबियों और तारीफ़ों को जमा कर लेना तो अलहमदु के अल के अंदर आया है तमाम तारीफ़ें इस कायनात में जितनी तारीफ़ें हो रही है ये सब के सब लिल्लाही अल्लाही के लिए है सारी तारीफ़ें दुनिया में भी किसी की तारीफ़ की जाए खाना पका है बेहतरीन रोज़े में है खाने की बातें हो रही है खाना पका है बेहतरीन इफ्तार के मौके पर लजीज लजीज मशरूबात हासिल है और बेहतरीन भजिए है और कंटकी है और मख्तलफ़ाएँ हैं और बेहतरीन बेहतरीन नाम इधर वालों की अपने पसंद के नाम होते हैं साउथ वालों की अपनी डिशेस होती है गरज ये कि बेहतरीन जाएँ हैं हमने खाना खाते ही इफ्तार करते ही मुँह में डालते ही तारीफ़ की माशा अल्लाह कितना बेहतरीन बनाए किस की तारीफ़ हुई है इस पर इसमें अल्लाह की तारीफ़ हुई है जिस रब ने पकाते वक्त दिमाग को सलामत रखा था वरना एक चमकना एक चमच नमक डालने के बजाय अगर पूरा ही डब्बा उंडेल देते तो ये तारीफ़ नहीं होती यहाँ गुस्से होते यहाँ हंगामे होते यहाँ शोर शराबा होता यहाँ दस्तरखान क्या सारा घर सर पे उठा लिया जाता तो जिस रब ने ये खूबी दी है ये कमाल दिया है ये अकलोशर अता किया है कि नमक बराबर डाला गया पकाया बराबर गया तेल सही सिस्टम से बना है पकाया गया है कच्चा नहीं रह गया है ये सब खूबियाँ देने वाला कमालात देने वाला ये अक्ल शुर और फहम देने वाला अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीफ़ है तो दुनिया में जहाँ कहीं किसी की तारीफ़ होंगी वहाँ किसकी तारीफ़ होंगी ला अल्लाह की तारीफ़ होगी अलहमदल्ला तो तमाम ख़ूबिया और सफ़ात और तारीफ़ों का सजावार हक़दार और लायक अल्लाह है कौन अल्लाह रब्बिल रबिलमीन जो तमाम जहानों का रब है जो तमाम जहानों का पालने वाला परवरिश करने वाला है रब की शान देखे अल्लाह रब्ज़त ने अपने आखिरी कलाम में आखिरी क़ानून में क़़र मजीद में अपनी जिस सिफत का सबसे पहले तजकर फरमाया है वह है रब और रब कहते हैं परवरश करने वाला पालने वाला तो परवरिश पालना रोज़ी रोटी पेट के मसाइल से जो शुरुआत होती है सारी कायनात की ज़रूरतें शुरू यहाँ से होती है ये ज़रूरत पूरी हुई तो फिर उसकी ख़ूबियाँ उसके कमालात, उसके अखलाक सबसे इस्तेफादा कीजिए पेट खाली है तो फिर सबसे बड़े बद को देखिए पेट खाली है तो ग़ुस्से है हंगामे हैं फिर इंजीनियर साहब की इंजीनियरी काम नहीं करती है डॉक्टर साहब की डॉक्टरी काम नहीं करती है इसलिए कि पेट खाली है अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बद अखलाक़ियों के चर्चे है हाँ पेट में पड़ गया रब की रुबुवियत की शान आ गई उसका पेट भर गया उसकी ज़रूरियात पूरी हो गई अब देखिए सारे अखलाक़ अब फिर सारी सिफ़ात और ख़ुबिया और कमालात है सारी चीज़ें हैं दुनिया का निज़ाम जो चलना है सब अल्लाह रब्ज़त की सफ़त रबूवत के बाद है अल्लाह रब्ज़त ने निज़ाम यहाँ से शुरू किया रब से जिस रब ने अल्लाह ने क़रन करीम नाजिल किया और मुसलमान को रूए ज़मीन पर अपना खलीफा और नायब बनाया रब तभी तजिका सिफत रबूत से शुरू किया बंदों से भी कहा कि हम जब तुम्हें दुनिया में खलीफा बनाएंगे हाकिम और निगरान बनाएंगे और दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथ में देंगे तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी होगी कि पहले तुम रुबूवियत का निज़ाम बनाओ पहले रोज़ी रोटी का निज़ाम बनाओ हुकूमत मिले तो सबसे पहले रोज़गार का नजम करो गरबा को ज़रूरतमंदों को बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करो ये इस्लामी हुकूमत का इस्लामी खिलाफत ममलकत का पहला वजीफ़ा पहला सबक होता है इसलिए कि पेट खाली है तो नमाज भी पढ़ने का हुक्म नहीं है जाओ पहले खाना खाओ फिर नमाज को आओ इसलिए कि पेट खाली होगा तो नमाज़ में भी दिल नहीं होगा अल्लाह की सबसे अज़ीम इबादत मोहतम बशान इबादत नमाज में भी दिल नहीं लग रहा है हुक्म है जमात छोड़ दो पहले पहले खाना खाओ जमात मिल जाए तो फिर जमात से पढ़ लेना वरना बग़ैर जमात के पढ़ लेना लेकिन जमात में होकर अपनी नमाज को ऐबदार मत बनाओ उसे नाकिस मत बनाओ ये हुक्म दिया गया तो कितना अहम मसला है रबूवियत का और अल्लाह अल्लाहत अपनी बहुत सारी सिफात बयान फरमा सकते थे निन्यानवे नामों में से कोई भी नाम ले सकते थे लेकिन अल्लाह ने रब का नाम लिया है इसकी अज़मत को इसकी अहमियत को बयान करने के लिए कि मैंने भी अपनी सिफ़त रबूवत का पहले इंतज़ाम किया क़ुरान में भी सबसे पहले रब बयान किया बंदा जब दुनिया में आता है तो वहाँ भी उसकी रबूवत ही की शान पहले होती है अल्लाह महबूद बाद में होता है बंदा सर उसके आगे बाद में झुकाता है बड़ा होने के बाद सात साल का बच्चा हो जाए तो वालदेन को हुक्म है कि उसे नमाज का हुक्म करो दस साल का हो जाए तो पाबंदी कराओ ना पाबंदी करने पर उसे सजा दो और बालिग हो जाने के बाद तो फिर उसका खाता खुल जाता है उसकी निकिया और गुनाह लिखने शुरू हो जाते हैं लिहाजा नमाज़ तो बंदा सात साल के बाद पढ़ेगा रोज़े तो सात साल के बाद रखेगा लेकिन अल्लाह इज़्ज़त की सिफत रबूवियत की शान कहाँ है माँ के पेट में अभी मियाँ बीवी मिले है निकाह हुआ है मियाँ बीवी मिले है इधर बाप की सुलब से नुतफ़ा माँ के रहम में मुंतकिल हुआ है लाखों करोड़ों ज़रात में से एक कामयाब हुआ है सक्सेस हुआ है वो पहुंचा माँ के रहम में और अल्लाह इज़्ज़त ने उसे करार गाह फरमा दी फी करार मक़ीन अल्लाह फरमा मिन नखलुकमाय महिन क्या हमने तुम्हें एक हकीर तरीन पानी के कतरे से पैदा नहीं किया नखलुक़म्मा महन फिर क्या किया फ़जालना फ़रार मकिन हमने उसे एक बेहतरीन ठिकाने में पहुंचा दिया रख दिया उस ठिकाने के अंदर और उस ठिकाने में उसकी कारीगरी का कैसा मंजर है तो मखल़ नतफ़त अलका उस नफ़े को अलाका बनाया गोश का लोथड़ा बनाया फ़लक नस्गा उस अलका उस खून को अलका यानी जमा हुआ ख़ून नतफ़े को जमा हुआ ख़ून बनाया उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया फलक नल मुस्कता एजामा पीछे ले लीजिए इसे पीछे खींच लीजिए इसे भी ले लीजिए उस गोश्त के लोथड़े को अल्लाह इज़्ज़त ने हड्डी बनाई फसनल एजाम लखमा फिर उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया ये चार महीने तक अल्लाह इज़्ज़त का निज़ाम चल रहा है सम्मान शाना खल ना आख़र अल्लाह कह रहे फिर हमने इसे एक दूसरी चीज़ बना दिया अभी इसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये जमा हुआ ख़ून है कह रहे थे कि ये गोश्त बना है कह रहे थे कि हड्डियाँ बनी हैं इस पर गोश्त चढ़ा है अब इसने कोनी मारनी शुरू की है अब इसने राउंड लगाना शुरू किया है करवटें लेना शुरू किया है अब डॉक्टर से पूछिए अब क्या बना है डॉक्टर कहता है कि अब कुछ और बन गया है अभी तक ये हरकत नहीं कर रहा था अब ये हरकत करने लगा है डॉक्टर साहब इसमें क्या ऐड हुआ है इसमें क्या चीज़ दाखिल हुई है सॉरी हमारी साइंस यहाँ पर घुटने टेक देती है धर्म कहता है कि इसे आत्मा कहते हैं मजहब कहता है कि इसे रूह कहते हैं ये आई है उसके अंदर अब ये जान उसके अंदर पड़ी है अब ये हरकत करने लगा है फिर इसकी आँख बनाई इसके नाक बनाए हमारे माँ बाप ने एप्लीकेशन दी थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को खड़ी नाक अता फरमा मेरे बच्चे को गोरा चट्टा पैदा फरमा बड़ी बड़ी आँखें वाला बना खूबसूरत होट वाला बना ऐसी कोई एप्लीकेशन दाखिल नहीं की थी हमारे वालदे ने लेकिन कैसी नाक बनाई कैसी आंखें बनाईं कैसे खूबसूरत होठ अता किए कैसा रंग अता किया कैसे हाथ पाँव अता किए हाथ में उंगलियां अता किए उंगलियों में जॉइंट्स अता किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैसी अजीम शान किसने मांगा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रुबूवियत का मजहर अब आगे देखिए उस बच्चे को नौ महीने रहना है अंदर क्या खाए पिए क्या ज़रूरत का इंतज़ाम हो रब ताला ने माँ के माहवारी को बंद कर दिया खून को बंद कर दिया और इन दिनों में खून बंद है क्यों बंद है वो कहाँ जा रहा है वो जा रहा है बच्चे के पेट में बच्चे की परवरिश उस खून से हो रही है जो खून बना है माँ को खा पी ताकत बनी है अब वो बच्चे के अंदर जा रहा है उधर खून बंद हो गया इधर जा रहा है और कहाँ से जा रहा है दुनिया में आकर तो मुँह से खाना है लेकिन वो खून गंदा है उसे मुँह से नहीं डालना है अंदर इसलिए कि इस मुँह से अल्लाह का नाम लेना है इस जबान से उसका कलाम पढ़ना है उसने नाली बनाई है नाफ के ज़रिए से वो अंदर को ले जाता है उन गज़ाओं को नाफ़ के अंदर से ले जाता है मेरे बंदे मैंने तेरी माँ के पेट में भी इंतज़ाम किया था कि तेरे मुंह से गंदगी अंदर को ना जाए आज तो अपनी ज़बान से गंदे अलफ कहता है अल्लाह के अलावा गैरुल्ला को पुकारता है एक अल्लाह की इबादत और उसकी तारीफ़ की जगह अल्लाह के अलावा गैरुल्ला की इबादत और तारीफ़ें करता है उसकी इतात के क़लिमात कहने की जगह उसकी नाफ़रमानी और नाराज़गी के क़लिमात कहता है मेरे बंदे मैंने माँ के पेट में ये निज़ाम नहीं रखा मुँह तक गंदगी के पहुँचने का आज तो मुँह से कैसी गंदगी निकाल रहा है तो अल्लाह इज़्ज़त की रुबूवियत देखिए उसकी तरबियत देखिए उसकी परवरिश देखिए कि माँ के पेट में वो खून चला है जब इंसान पैदा हुआ है दुनिया में आया है अब उसकी परवरिश देखिए उसकी शान रुबूवियत को देखिए कि बंदा माँ के गोद में है, उसके खाने पीने का निज़ाम करना है तो अल्लाह ने उसे रोना सिखाया बच्चे ने रोना सीखा इधर बच्चा रोया है उधर माँ की छातियों में दूध आया है गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा दूध आया है सर्दी का मौसम है तो गर्म गर्म दूध आया है हाजिम है इतना हल्का फुल्का है कि मासूम सा मैदा भी कमज़ोर तरीन मैदा भी उस दूध को हज़म करता है बर्दाश्त करता है उससे उसकी ग़ाओं का उसकी सेहत और तंदुरुस्ती का सामान हो रहा है अल्लाह रबत उसके लिए कैसे अज़ीम शान इंतज़ाम कर रहे हैं फिर मामला आगे बढ़ा है वो दूध अब उसके लिए काफ़ी नहीं हो रहा है उसका जिस्म बढ़ रहा है उसका हाजमा पुख्ता हो रहा है हल्की गज़ाएँ अब उसके लिए काफ़ी नहीं हो रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब उसके मुंह में मसौड़े बनाने शुरू किए हैं उसके दांत बनाने शुरू किए हैं अब उसे हैवी ज़ाओं की ज़रूरत है उसे चबाने का निज़ाम बनाया वो हैवी और ताकतवर जाएँ खाने लगा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा अजीम निज़ाम बनाया बंदा खड़ा हुआ वो बंदा पहले लेटा हुआ था वो उलटने पलटने लगा वो रेंगने लगा वो खड़े होने लगा वो चलने लगा वो दौड़ने लगा आज सारी दुनिया में दौड़ रहा है जिस रब ने बिस्तर पर पड़े हुए बिस्तर को गंदा कर रहे शख्स की माँ के दिल में रहमत और शफ़क्त डाली थी वो उठकर अपने बच्चे की गंदगी को साफ कर रही थी दूसरे के बच्चे को साफ करती है क्या दूसरे के बच्चे को साफ नहीं करती है दूसरे के बच्चे को जब देखती है तो छी कहती है गंदा कहती है लेकिन अपना बच्चा जब करे तो उसी शफक्त के साथ उसी इनायत के साथ उसी हमदर्दी के साथ वो माँ उसकी गंदगी को साफ करती है जिस माँ के दिल में उसने ये मामता डाली है ये मोहब्बत डाली है जिस माँ ने उसे रेंगना सिखाया चलना सिखाया उंगली पकड़कर खड़े होना सिखाया चलना सिखाया दौड़ना सिखाया उस रब ने उस माँ के अंदर वो खुबिया कमाल डाली आज उस माँ का नाफरमान जिस रब ने उस बंदे के अंदर ऐसी तरक्की और तरबियत और परवरिश की आज उस रब की नाफरमानी वो दौड़ने लगा है तो अब रब को शिकस्त देने चला है अब रब की नाफरमानी और मुखालफतें करने चला है अल्लाह रबत ने सबसे पहले अपनी सिफत रबूवियत का तजकरा किया रब अलहदुल्लाब ये रब की रब ही तो है कि गर्मी पड़ रही है गर्मी भी ज़रूरी है जिनके यहाँ गर्मी नहीं है देखिए उनके पास कितने हालात कितनी कमजोरियाँ, कितनी मशक्क़तें हैं सर्दी भी ज़रूरी है बारिश भी ज़रूरी है हर मौसम अपनी शान के साथ हम कह रहे हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जाहिर बात है इस साल ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है इसलिए ज़्यादा गर्मी है वो अल्लाह है वो जानते हैं कि अपने बंदों को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है जो जहाँ जहाँ जा जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ वो चीज़ भेजी जाती है अब अगर अल्लाह कहर नाजिल करे अजाब नाजिल करे तो वो भी उसकी रब होने की शान है इसलिए कि वहाँ अजाब ही की ज़रूरत थी सीधे नहीं हो रहे थे जिनको कम करना था उन्हें कम कर दिया जिनको सीधा करना था उस अजाब और पकड़ में उन्हें सीधा कर दिया वो भी उसके रब होने की शान है यहाँ तक कि उसकी रब की शान जन्नत भी है और उसकी रब की शान जहन्नम भी है ज, जहन्नम कैसे रुब की शान हो गई जहन्नम कैसे अल्लाह का रहम और इनायत हो गई जन्नत तो समझ में आती है जहन्नम भी अल्लाह का इनाम है किसके लिए इनाम तो सिर्फ मोमिन के लिए है काफिर को तो सिर्फ ढील है कुलू तम तऊला नक मुजरम अय मुजरिमों खाओ पियो मज़े कर लो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो मुजरिमों के लिए तो कोई मौका नहीं है हाँ मोमिन पर इनाम है मोमिन पर रहम है और जहन्नम भी मोमिन पर रहम है अल्लाह जहन्नम में भी तरबियत फरमाएगा कैसी तरबियत करेगा जन्नत पाकिज़ा मकाम है जन्नत पाकिजा लोगों का मकाम है जन्नत नेकोकारों की जगह है साफ़ शफाफ रूहें जन्नत में पहुँचेगी जिन बंदों ने दुनिया में अपनी रूहों को पाक साफ़ नहीं किया गंदगी के अंदर गुनाहों के अंदर मुलवस और मुबला रखा अल्लाह इज़्ज़त, उस बंदे की अगर वो मुसलमान था जन्नत के लायक है लेकिन गंदगी में मुबला है इसी गंदगी के साथ मरा है और अल्लाह के हुजूर में पहुँचा है अल्लाह उसकी गंदगी को साफ करेगा उसके जंग को धोएगा जंग कहाँ धुलता है जंग आग में धुलता है अल्लाह इज़्ज़त जहन्नम के अंदर उस गंदगी को साफ करेगा दुआओं से कर लेना था साफ इबादतों से साफ कर लेना था आंसुओं से उस गंदगी को धो देना था नहीं धोया चले गए दुनिया से वैसे ही गंदगी लेकर अब अल्लाह तो जालिम नहीं है कि आग में डाले हाँ इंसाफ का तकाजा है कि जन्नत पाकिज़ा मकाम है गंदगी धोकर डालना पड़ेगा लिहाजा चलो अगर गंदगी के साथ डाला जाएगा तो जुल्म होगा गंदगी के साथ डाला जाएगा तो जुल्म होगा ये एक निज़ाम है एक तरतीब है किसी मकाम पर जाने के लिए हम दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट अलग है वहाँ का मौसम अलग है वहाँ जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि आप वहाँ जाने के लायक है और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वहाँ जाने से पहले टीका लगाया जाता है इंजेक्शन दिया जाता है कि आपको वहाँ का क्लाइमेट सूट करने लगे वहाँ का मौसम साजगार हो जाए रास आ जाए हज के लिए जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बीमार है परेशान है वहाँ जाकर वहाँ की हुकूमत पर कहाँ बोझ बना दिया जाए इन्हें सेहतमंद हो आप तो जाने का मौका होगा लिहाजा हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए सेहतमंद कहाँ बनेंगे दवाखाने जाइए अब कुछ कमज़ोरी है तो दवा गोली से काम चल गया बड़ी कमज़ोरी है तो इंजेक्शन लगाया गया और बड़ा मसला है तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और इधर से और उधर से नश्तर लगाए गए कुछ सामान निकाला गया कुछ सामान डाला गया उसकी पुरोई की गई और पूरी तरह से फटे हुए जिस्म को बंद कर दिया गया अब सेहतमंद हो गए हैं अब हेल्थ सर्टिफिकेट मिल गया है अब जाइए उस मुल्क आप जा सकते हैं जन्नत सेहतमंद लोगों का मकाम है कमज़ोर रूहों वाले जन्नत में नहीं जा सकते हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा चलो ऑपरेशन थिएटर जहन्नम है जहां पहुँच कर ऑपरेशन किया जाएगा जहां सफाई होगी, जहां गंदगी को धोया जाएगा जहां रूह को पाकिज़ा और नूरानी बनाया जाएगा फिर अल्लाह रब्ज़त जन्नत में दाखिल फरमाएंगे अल्लाह तो नहीं चाहते के बंदे जहन्नम में जाकर ही सफ़ाई हासिल करें अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया में ले लो सफ़ाई इसलिए कभी कभी जहन्म के मनाजिर अल्लाह दुनिया में भी अता करते हैं जहन्म के मनाजिर दुनिया में भी अता करते हैं वलनबुल निनफ़ वल जूड़ व नक्स मिन वलअस व समारात अल्लाह रबुल्ज़त कभी भूख के ज़रिए आज़माते हैं जहन्नम में भूख है अल्लाह दुनिया में उसका नज़ारा दिखाते है उस भूख के अंदर अगर बंदा सब्र करेगा अल्लाह इज़्ज़त इसकी रूह से गंदगी को साफ करते हैं मोमिन के लिए हर शे में खैर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाजबल अमरमिन मोमिन मोमिन का तो मामला ही अजीब है नाम रहो कुल लहू लहू खैर मोमिन का हर काम उसके लिए बेहतर ही बेहतर है उसमें भलाई ही भलाई है कैसी बेहतरी है कैसी शान है उसके अंदर मोमिन के लिए इधा असाबत हो जर्राओ सबारा आ रहा फ़का न खैरलो इधा असाबत हो सर्राओ शक फ़का न मोमिन को अगर कोई मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचती है वो उस पर सब्र करता है वो सब्र उसके लिए बेहतर मोमिन को खुशी पहुँचती है वो उस पर शुक्र करता है वो शुक्र उसके लिए बेहतर तो मोमिन की तो शान ही अलग है मोमिन को जिंदगी के किसी मरहले में कोई ख़तरा नहीं है कोई तकलीफ नहीं है मोमिन हारने के लिए आया ही नहीं है मोमिन के लिए तो विक्ट्री है मोमिन के लिए तो विनिंग है मोमिन के लिए तो जीत ही जीत है मोमिन हारने के लिए बना ही नहीं है यह हारने के लिए नहीं आया है अगर एग्ज़ाम में मुसलमान हार जाए इलेक्शन में मुसलमान हार जाए दुनिया के एक इम्तहान में तरक्यात में अपनी तजारत में अपनी मुलाजमत में अपनी कोशिशों में मुसलमान हार जाए मैदान जंग में हार जाए जान से हार जाए ये हारा नहीं है ये मोमिन है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक व ग़ुलाम है ये हारने के लिए नहीं आया है हर चीज़ इसे कामयाबी की तरफ ले जाती है मुसलमान या तो जीत जाता है या सीख जाता है कहीं से जीत कर निकलता है या कहीं से कुछ सीख कर निकलता है तो मुसलमान की हर शे कामयाबी वाली है हालात बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं बड़ी तंगियां है मशक्कतें हैं अल्लाह अरश बरी से सब देख रहे हैं दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए ज़मीन अपनी वसअत के बावजूद तंग की जा रही है इन पर रोज़गार के मौा कम किए जा रहे हैं इनके लिए तजारती बायाट किया जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना ख़रीदा जाए इन्हें कुछ ना बेचा जाए मुसलमानों पर मशक्क़त आजमाइशों के बलाओं के तूफ़ान उमड़ रहे हैं सारी कौमें मुसलमानों पर ऐसे दौड़ रही है जैसे भूखे दस्तरखान पर दौड़ते हैं ये हार नहीं रहा है मुसलमान याद रखिए मुसलमान हार नहीं रहा है मुसलमान की हार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ये हर तकलीफ़ और मशक्क़त इसे अपने अल्लाह से नज़दीक कर रही है बस अपना डायरेक्शन सही किया जाए बंदा तकलीफ़ में अल्लाह से करीब हो ये सही डायरेक्शन है तकलीफ़ में अल्लाह से दूर हो ये गलत डायरेक्शन है डायरेक्शन अगर सही हो जाए रुख अगर सही हो जाए तो उसे आजमाइश कहते हैं आजमाइश में बंदा अल्लाह के करीब जाता है और अगर ये डायरेक्शन रॉन्ग हो जाए गलत हो जाए इसमें अल्लाह से बंदा दूर हो रहा हो तो इसे अजाब कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोमिन पर आजमाइश होती है क्या पहचान है इसकी डायरेक्शन सही और गलत होने का क्या मतलब है अगर अल्लाह इज़्ज़त किसी बंदे को इबादत गुज़ारी के साथ नेकियों के साथ उसकी इताद के साथ मशक्क़तों में डाल दे मुसलमान नेकी भी कर रहा था इबादतों में भी था अल्लाह की फर्माबर्दारी भी कर रहा था सुन्नतों पर भी अमल रहा था फिर हालात आए और इन हालात ने उसे अल्लाह से और नज़दीक कर दिया अल्लाह के और पास चला गया बंदा तो समझ लीजिए कि ये आजमाइश है और आजमाइश के दिन बहुत मुख्तसर होते हैं वो अल्लाह जानता है इसे किस हद तक कामिल बनाना है किस हद तक इसे मुकम्मल करना है अल्लाह जानते हैं अल्लाह के इल्म में है उसकी मशीत और इरादे में पता नहीं उसने किस काम के लिए सेलेक्ट किया किसी को प्यादा बनाने के लिए उसकी हुकूमत और सल्तनत और फ़ौज का प्यादा बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो उसे छोटी सी आजमाइश कराई जाती है और अगर उसे अपनी फ़ौज का सिपह सालार बनाने के लिए इस्तेमाल किया करना चाहा तो उसके लिए बड़ी आजमाइश होती है आखिरी सफ़ों में रखना है तो छोटी आजमाइशों पर भी सिलेक्शन हो जाता है पहली सफ़ों में शामिल करना है तो बड़ी बड़ी आजमाइशें की जाती है ये रब ताला का सिलेक्शन है उसने जिस काम के लिए चुना उसके लिए वो उतनी बड़ी इम्तिहान और आज़माइश में डालेगा हम आप रोए चिल्लाए हम आप कहे अल्लाह को हम ही मिले थे और कोई नहीं मिला था अल्लाह को देखो काफिर तो कैसे जालिम दंदना रहे हैं देखो उनके पास माल और बाब है इज्जत और शोहरत है सेहतमंदी और कामयाबियों के नक्शे है हम पर ही हालात है हम उसके नाम लेने वाले हमारा यही जुर्म और गुनाह है हमें इसीलिए पकड़ के रखा है उसने ये हमारे अल्फाज अल्लाह इज़्ज़त के साथ अल्लाह इज़्ज़त से शिकवा शिकायत ज़ाहिर बात है बंदा कमज़ोर है तो बोलेगा उसी से तो उसी को बोलिए बंदों को मत बोलिए उसी से कहिए क्या क्या कहना है उससे कहिए बंदे का और रब का रिश्ता है बीच में कोई नहीं आ सकता है क्या क्या बोलना है माँ से कैसा बच्चा फ्री होता है अब्बा से कहता है क्या अब्बा से नहीं कहता है लेकिन अम्मा से कहता है अम्मा के पास जाता है तो पहले पहुँचते ही तारीफ़ें करता है मम्मी आज तो बड़ा बेहतरीन लिबास पहना है आज तो बड़ा नुरानी चेहरा नज़र आ रहा है माँ तो माँ होती है समझ जाती है कि कोई फ़ाइल लेकर आया है पास करना है कोई मन्नत मुराद लेकर आया है हाँ मेरे बच्चे कहो क्या बात है क्या कहना है क्या बोलने आए हो बस अब्बा से एक फ़ाइल पास कराना है अब से इजाज़त और मंजूरी लेना है वहाँ नहीं जा सकते हैं माँ से रास्ते खुले होते हैं एक माँ के साथ जब बच्चे का ये रिश्ता होता है तो अल्लाह तो अल्लाह है उसकी मोहब्बत तो सत्तर माँ से ज़्यादा है बंदा रब से जितना फ्री हो जिस जबान में बोले वो अल्लाह है अल्लाह अपने बंदे की नीयत को जानता है उसके अहसास और जज्बात को जानता है हमें मांगना ही नहीं आता है हम मांगने के मामले में सबसे कच्चे हैं सारे काम हमें अच्छे से आते हैं दुआ हमारी सबसे कच्ची है हमारी दुआ का हाल क्या है हाथ उठाया अल्लाह ये दे ये दे ये दे देता दे तो मत दे बस हाथ फेर दिया इमाम के साथ आमीन 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 किया और फिनिश ये क्या दुआ हुई ये कौन सी दुआ हुई है अल्लाह से तो दुआ करना है दुआ इतनी बड़ी इबादत है इतनी बड़ी इबादत है अल्लाह फरमा रहे हैं, इन नदीन यस्तक वरूना न इबादती सैद ख़ुल जहन्नमरीन यहाँ इबादत दुआ के लिए इस्तेमाल हुई अल्लाह फरमाने के जो हमसे मांगने से तकबर करेंगे हम उसे जहन्नम में डाल देंगे हमसे मांगने से भी बड़ा बन रहा है हमारे सामने भी बड़ा बनने चला है मांग बंदे हमसे तो अल्लाह से मांगना है और अपनी ज़बानों में मांगना है जब मांगना बंद हो जाए अल्फाज रुक जाए तो भी हाथ उठाए रखो वो दिल की भी सुनता है वो बेज़बानों की भी सुनता है बस रोया जाए दिल से उसे पुकारा जाए और अपने हालात को उसके सामने रखा जाए वो बराबर सुनता और मानता है वो रब है वो रब ताला की जाते आली और मुसलमान के लिए जिंदगी में कोई हाल बुरा नहीं है हर हाल उसके लिए बेहतर है मायूसी का कोई रास्ता नहीं है, मायूसी की का दरवाजा मुसलमान के लिए खुला ही नहीं है बंद है मायूसी का दरवाजा इसलिए कि इसका निगरान और निगहबान अल्लाह है जब अल्लाह हो तो मायूसी कैसी कोई बड़े साहब से हमारा काम बना हुआ हो और उससे हमारी लिंक जुड़ी हुई हो उनके नंबर फ़ोन में हमारा नंबर से वो हमारे फ़ोन में उनका नंबर से वो हम फ़ोन करते हैं देखो हमारे पास साहब का नंबर है क्या बातें कर रहे हो आप हमारे लिए मशक्क़त की बात अरे यार तुम हमारे दोस्त हो और तुम परेशानियों में हो, हो। साहब का नंबर हमारे पास है एक फ़ोन करें काम हो जाता है कहते तो कितने दिन से परेशानी झेल रहे हो तो अगर साहब का नंबर हमारे पास है अगरचे वो साहब के ज़िम्मे नालिया की सफाई है अगरचे वो साहब के ज़िम्मे ड्रेनेज लाइन की निगरानी है अगरचे वो साहब के ज़िम्मे नल की पाइप लाइन की निगरानी है अगरचे वो साहब के ज़िम्मे सड़कों के बनाने और सुधारने और मरम्मत की निगरानी है कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियाँ उनके तरफ है तो उनका नंबर हमारे पास इतनी बड़ी शय है कि हम कहते हैं तुम परेशान हमारे पास साहब का नंबर है कैसी परेशानी की बातें कर रहे हो अगर हमारे पास उस उसली का नंबर है उसका नंबर क्या है उसका नंबर है टू फोर फोर थ्री फोर थ्री क्या नंबर है उसका टू फोर फोर थ्री फोर थ्री टू फजर की दो रखात फोर जहर की चार रकात, फोर असर की चार रकात, थ्री मगरिब की चार रकात, फोर ईशा की चार रकात, थ्री ईशा की तीन वितर, तो ये उसका नंबर है हमारे पास और उससे बड़ा कनेक्शन करना है तो पर्सनल नंबर है फिर एट उसके ऊपर अगर जोड़ लो तो ये और स्पेशल नंबर है वह है तहज्जुद की नमाज आठ रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो आठ रकात का अहतमाम करो कितना बड़ा नंबर है हमारे पास और किसका नंबर है जिसके में सब कुछ है जिसकी शान ऐसी है कि कोई शय उसकी मर्जी और इख्तियार के बाहर नहीं है उसका नंबर हमारे पास और हम परेशान हमारे ऊपर मायूसी छाई अच्छा, हुई है तारी है हम घबराए हुए परेशान है हौलो पुकार है घबराहटों में मुबला है और कॉन्फिडेंस ऐसे उतरते जा रहे हैं ऐसे नीचे होते जा रहे हैं कि गुलामी हम पर छा गई है हमारे इख्तियारात, हमारी सोचो फिक्र हर चीज़ पर गुलामी छा गई है कैसी अजीब कैफियत के अंदर मुसलमान मुब्तला है जबकि हमारे पास उस ज़ात का नंबर है और कैसा टोल फ्री है वो नंबर बिल्कुल फ्री है कोई टाइमिंग नहीं है उसकी बस आ जाओ उसके आगे हाथ उठाओ चौबीस घंटे में किसी भी वक्त उसके सामने हाथ उठाओ उसके यहाँ जाने के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं है उसके पास पहुंचने के लिए किसी पीए के ज़रिए नहीं जाना पड़ता है पी ए साहब के ज़रिए से जाना पड़ेगा साहब से मुलाकात मुश्किल है उनका कॉल मुश्किल है ऐसा नहीं है कोई पीए की ज़रूरत नहीं है वो मुशरिकी ने मक्का थे जो कहते थे हाउलाई ये हमारे जो मबूद है ये हमारे रब के पास सिफ़ारिश ही है हमारे हम इन्हें रब नहीं मानते हम इन्हें सिफारिश ही मानते हैं ये हमारा मुद्दा अल्लाह के पास लेकर जाएंगे मुसलमान का तो डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह रब्ज़त से है लिहाजा किसी मायूसी का कोई रास्ता नहीं है हालात कितने संग तरीन हो जाए सख्त तरीन हो जाए आसमान लोहे का हो जाए एक खतरा ना बरसाए ज़मीन तांबे की हो जाए एक दाना ना उगाए मेरा रब फिर भी रब है वो तब भी दाना खिलाने पर कुदरत रखता है वो तब भी पानी पिलाने पर खुदरत रखता है उसकी कुदरत उसकी शहीनशाही का हम तारुफ हासिल करें उसने अपनी पहली सिफत रब बयान की है और जिससे ज़रूरियात जुड़ी होती है जैसे माँ से शुरुआत हुई माँ से बच्चे की दोस्ती होती है साहब तनख्वाह देते हैं साहब से बंदे की दोस्ती होती है जिससे जो ज़रूरत जुड़ी हुई है उससे हमारी दोस्ती होती है रब ने अपना तारफ़ सिफ़ से रब से कराया है अल्लाह चाहते तो कह देते अल्हम्दुलिल्लाह लाख कहार लालमीन अलहमद जब्बार जब्ब्बारालमीन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला मंत लालमीन अल्लाह चाहते तो कह देते अल्लाह तमाम जहानों का पकड़ झकड़ने वाला है अल्लाह तमाम जहानों को अजाब देने वाला है अल्लाह तमाम जहानों से इंतकाम लेने वाला है अल्लाह ये भी कह सकते थे लेकिन अल्लाह ने तो हमारी तरफ़ मोहब्बत का हाथ फैलाया है दोस्ती का हाथ फैलाया है हमने अल्लाह का तारफ़ डर का बना के रखा है अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है उसकी पकड़ बड़ी ख़तरनाक है उसका डर बड़ा ख़तरनाक है बस उसी में पड़े हुए हैं और डर की वजह से हम पास जाते ही नहीं हैं जो काम मोहब्बत से होते हैं दोस्ती से होते हैं वो डर से थोड़े ही होते हैं अल्लाह रब्ज़त के दामन आफ़ियत में जाया जाए उससे मोहब्बत की जाए उससे दोस्ती की जाए उससे ताल्लुक बनाया जाए उसने अपनी पहली सिफत रब बयान किए आ जाओ मेरे बंदो रब्बिल आलमीन, और किसका रब है वो आलमीन, तमाम जहानों का रब आलम का मतलब जहान और आलमीन उसकी जमा है तमाम जहानों का रब आलम इंस इंसानों काम कालम आलम, एक आलम, आलम जिन जिन्नात का आलम कालम आलम, आलम नबाताम जमादात अलम हषरात हैवानात येम फलकिया अर्ज़ियात ये सब आलम है अलहमदल आलमीन ये तमाम जहनों का रब। हम यहाँ ज़मीन पर रहते हैं अल्लाह रब्ल के उन सितारों और सैयारों पर कहाँ कहाँ ज़िंदगी के आसार है और कहाँ कहाँ अल्लाह की मखलूक़ रहती बस्ती है अल्हमदल्ला रबालमीन अल्लाह सब का रब तमाम जहानों का रब तो उस तमाम जहानों के पालने वाले रब से मोहब्बत की जाए उसकी तारीफ़ बयान की जाए सूरत की पहली आयत में क़रन करीम की पहली आयत में अल्लाह रबबल-इज्जत, ये बात बयान फरमा रहे हैं दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई अर्रहमान अर रहीम बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला अभी बिस्मिल्लाहिर के ज़ाइल में इसकी बातें गुज़र चुकी है कि बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला सब पर रहम करने वाला पूरा रहम करने वाला मालिक यوم अल्लाह रब्बल इज्जत ने अपनी चौथी सिफत बयान फरमाई मालिक 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 है रोजे जजा का सारी मिल्कियत सारे इख्तियार सारी क़ुदरत उसी की होगी योद्दीन उस बदले के दिन कयामत के दिन सिर्फ़ उसी की बादशाहत उसी का इख्तियार होगा दुनिया में भी उसी का इख्तियार है यहाँ भी वही मालिक है कोई शय उसके कब्ज़े से बाहर नहीं है लेकिन अल्लाह ने ऐसे क्यों कहा मालिक यौम द्दीन के बदले के दिन का मालिक इसलिए कि दुनिया में अल्लाह इज़्ज़त ने बंदों को आर्जी इख्तियार दे रखे हैं दुनिया में आर्जी मिल्कियत दी है अल्लाह ने बंदे को ठीक है आज बंदा कहता है मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरी जायदाद मेरी प्रॉपर्टी मेरा माल ये मेरा इसे कहता है इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने इसे आर्जी मिल्कियत अता कर दी है मालिक दीन बदले के दिन उस उस़यामत के दिन कोई मिल्कियत नहीं होगी किसी का किसी शय पर कोई इख्तियार नहीं होगा तने तना अल्लाह तनाल इज़्ज़त का इख्तियार होगा मालिक यमद्दीन वो बदले के दिन का मालिक होगा यहाँ तो हम काम चला लेते हैं किसी न किसी ज़रिए से वहाँ कोई काम नहीं चलेगा वहाँ कोई रिश्वत काम नहीं देंगी ग़लत सिफारिशों पर काम नहीं चलेगा और फेक सर्टिफिकेट्स पर काम नहीं चलेगा, वहाँ तो पक्का ठक्का काम होगा इसलिए कि मालिक की दीन, वहाँ इख्तियार उसका होगा बादशाहत तो उसकी होंगी मिल्कियत तो उसकी होगी ईया का नाबुदो या का नस्तीन अल्लाह इज़्ज़त ने अपनी इन तीन सिफात को तीन आयतों के अंदर अल्लाह ने अपनी सिफात को बयान किया रसोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुलफ़ा के अंदर अल्लाह रब्ज़त ने दुआ मांगने का तरीक़ा सिखाया है ये सूरतआल है इस सूरत का एक नाम सूरत आल है जब इंसान को अपनी ज़रूरत किसी से पूरी करनी होती है मांगना होता है तो इंसान क्या करता है मांगने से पहले सबसे पहले तारीफ़ी कलिमत कहता है तारीफ़ी कलिमात के बाद अपनी बेबसी बेकसी का ऐलान करता है इज़हार करता है अपने उनसे ताल्लुक को बयान करता है अपनी बेबसी का ऐलान करता है फिर मेरा आपसे जो ताल्लुक है उस ताल्लुक को बयान करता है फिर अपनी ज़रूरत को रखता है ये किसी काम के कराने की तरतीब होती है सूरत साल के अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने मांगने का तरीक़ा सिखाया पहले अपनी तारीफ़ करने का तरीक़ा सिखाया कि मेरे बंदो मेरी तारीफ़ करो कहो कहो अलहदल्ल रहमान कहोरमान रहीम कहो मालिक मालिकद्दीन फिर अपनी बेबसी का इज़हार करो इया का नाबदो हमारे रब हम तेरी ही इबादत करते हैं हम तेरे बंदे हैं है व्याया का नस्तैन तुझी से मदद चाहते हैं हमारा आपका कनेक्शन ये है कि आप माबूद हैं हम आबिद है आप खाल है हम आपकी मखलूक़ है हम कासिद है आप हमारे मकसूद है हम रागब है आपकी तरफ मुतवज़ है आप हमारे मरगूब है ला मकसूदी इ ला लामूदी इ ला मसूद इ ला ला मरगूबी इ लाला ला इला मेरी रगबत आपसे मेरी इरादत आपसे मेरी मोहब्बत आपसे मेरा सजदा आपसे मेरी इबादत आपसे आप हमारे मबूद आप हमारे मज़दूद, आप हमारे मकसूद आप हमारे मरगूब इया का ना बुदोया का नस्तिन हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं अपने ताल्लुक़ को बयान करो कायदा ये था के बंदा कहे ई या का नाबुदू की जगह बंदा कहे नाबुदू का और कहे व नस्तीनों का नाबुदू हम इबादत करते हैं का आपकी नस्त हम इबाद हम मदद चाहते हैं का आपसे यह अरबी जबान का कायदा था जैसे हर जबान के अपने उसूल आदाब होते हैं इंग्लिश में जब कोई जुमला हमें बनाना है तो उसका तरीक़ा ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है उसके बाद वर्ब लाया जाता है उसके बाद ऑब्जेक्ट लाया जाता है।, है ना इसी तरह से कहा जाता है जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाना है हमें हमें पानी पीना है हमें शरबत पीना है तो हम पहले मैं कहते हैं आई उसके बाद पीने के लिए वर्ब लेकर आते हैं ड्रंक उसके बाद में जूस मैंने जूस पिया मैंने शरबत पिया तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट एस प्लस वी प्लस ओ ये इसका क़ायदा है उर्दू ज़बान का क्या कायदा है उर्दू ज़ान में पहले सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है फिर वर्ब है मैंने जूस पिया मैं सब्जेक्ट फाइल उसके बाद मफूल जूस उसके बाद मैं पिया वर्ब फैल ये इसका क़ायदा है अरबी ज़बान का कायदा ये है कि अरबी ज़बान में पहले वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है फिर ऑबजेक्ट होता है पहले फ़ेल होता है फिर फाइल होता है फिर मफूल होता है ये अरबी ज़बान का कायदा है ना अब अब या वब है इबादत करना ना के अंदर जो नून है वो नखनू से बना है नून यानी हम वो सब्जेक्ट है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है का जिसकी इबादत कर रहे हैं। इबादत करते हैं हम आपकी इबादत करते हैं हम आपकी तो ना का ये क़ायदा होता यह जब्ता होता नस्तयीनों का इस्तेनत ये वर्ब है ना इसके अंदर सब्जेक्ट है और का आप से मदद चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है तो क़ायदा तो ये होता कि ना का व नस्तयीनों का लेकिन अल्लाह रब ने यहाँ ऑब्जेक्ट को पहले लाया वो का जो है उसको बाद में नहीं लाया पहले लाया और ईया उसके साथ बढ़ा दिया ईया का नाबू व ईया का नस्तयीन ये मफूल को मुकदम करना ऑब्जेक्ट को पहले लाना ये इतना अजीम मकसद और इतना अजीम नुक़ा अपने अंदर रखता है अगर का कहा जाता तो मतलब होता हम तेरी भी इबादत करते हैं व का और हम तुझसे भी मदद चाहते हैं ये जो ही आया है ही ये जो तोहीद है वो ईया का के अंदर है हम तेरी ही इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं वो ईया का नस्तीन और तुझसे ही मदद चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इबादत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से मदद चाहना यह तौहीद अपने अंदर रखता है सिर्फ तेरी ही इबादत इबादत क्या है इबादत कहते हैं गुलामी को अब्द गुलाम इबादत ग़ुलामी फ़ारसी में उसे बंदगी कहते हैं गुलाम बंदा अपने और मौला का गुलाम बन जाए उसके आगे बिछ जाए अपनी पसंद को उसकी पसंद पर क़ुरबान कर दे अपनी चाहत को उसकी चाहत पर क़ुरबान कर दे अपनी मर्ज़िया तो नामर्जियात से दस्त बरदार हो जाए हर शय को छोड़ दे मेरी कोई मर्ज़ी नहीं मेरी कोई चाहत नहीं मेरी कोई सुबह नहीं मेरी कोई शाम नहीं मेरा लिबास कोई नहीं मेरा चेहरा कोई नहीं मेरा खाना कोई नहीं बंदे है ग़ुला है हम पर चलेंगी हमारे अको मौला की जो पसंद वो तय करे वो हमारी पसंद जो ना पसंद वो तय कर दे वो हमारी ना पसंद, जो रहने सहने का रंग ढंग वो तय कर दे हमारा वो रंग ढंग मेरा लिबास वो तय करेगा मेरा चेहरा वो तय करेगा मेरी सुबह शाम वो तय करेगा जैसे उसने जीने को कहा वैसे जीना इसे कहते हैं गुलामी, और इसे कहते हैं इबादत ना ई या जिसमें हमने कहा कि अल्लाह हम आप ही के बंदे हैं आप ही के हैं आप के अलावा किसी के गुलाम नहीं तो जब बंदा उसका गुलाम बनेगा तो सारी दुनिया इसकी गुलाम बनेगी जब उसकी गुलामी से हम निकले हैं तो आप सबके ग़ुलाम बने बैठे हैं हर शख़्स हम पर हुकुम चलाता है जिसकी कोई औकात भी नहीं वो भी हम पर हुक्म चलाता है वो भी हम पर फैसले नाफिज़ करता है शादिर करता है अंदाज़ा लगाए जिसके ज़िम्मे चाय के कब धोना था अगर वो हम पर फ़ैसले चला रहा है तो ये नतीजा है इस बात का कि हमने उसकी ग़ुलामी का दाना दायरा तोड़ कर बाहर निकल गए हैं इसलिए अब ये हम पर फैसले करने लगे है अब इन पर हुकुम इनके हुकुम चलने लगे हैं ये सूरत हाल बनी है दुनिया के नालायकों को अल्लाह रबुल्ज़त ने कुर्सी पर बिठाया है ये सब क्या है माशा अला माशा अल्लाह भी ज़रूरी है कि चंद कुर्सियां हैं जहाँ पर लायक भी बैठे हुए हैं वरना तो नालायकों का दौर दौरा है ना अहलों का दौर दौरा है कुर्सियों पर वो बैठे हैं, उन्होंने ग़ुलाम बना रखा है वो तय करेंगे रास्तों से कैसे चलना है वो तय करेंगे कमाना कैसे है खाना कैसे है वो तय करेंगे रोज़गार के मसाइल कैसे हल करना है वो तय करेंगे कि किसान मेहनत करेगा तो कीमत क्या देना है इन नाहलों के ज़िम्मे ये काम कब से लग गया है जब से हमने अल्लाह की इबादत और बंदगी का दायरा तोड़ा है तब से इनकी गुलामी में आ गए हैं। आए हम उसकी गुलामी में चले फिर ये सारा जहान हमारा गुलाम होगा फिर गुलाम कैसा होगा बिलााल हबशी से गुलाम थे लेकिन किसके गुलाम थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर के गुलाम से उन्हें निकाला था काफ़िर की गुलामी से उन्हें आज़ाद कराया था अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी में वो आए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार सहरी फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे हैं बिलाल हबशी आए और आकर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर का वक्त हो गया है सुबह सादिक हो गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर फरमा रहे हैं फिर बिलाल हबशी ने कहा कि आकाश सहर का वक्त ख़त्म हो गया सुबह सादिक हो गई है फज्र का वक्त हो गया है नबी अलैहि वसल्लम फिर सहर फरमा रहे हैं बिलााल हबशी ने तीसरी मरतबा फिर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी रोक दी खाना बंद कर दिया ग़ुलाम की बात का रब त ने वो निज़ाम बयान किया है वो इंतज़ाम किया है कि सहरी का वक्त नहीं हुआ था लेकिन बिलाल ने तीन दफ़ा कह दिया अल्लाह ने सुबह सादिक ला ली अल्लाह ने फजर का वक्त वक्त से पहले ले आया इसलिए कि ग़ुलाम ने किसके मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम ने तीन दफ़ा कह दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये आलम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब जानवरों से कहते हैं कि जंगल को ख़ाली कर दो तो जानवर इनकी अरबी ज़बान को सुनकर जंगल जान, ख़ाली कर रहे हैं यहाँ हम इंसानों को नहीं समझा पा रहे हैं वो जहन वो जानवरों को समझा देते हैं कैसे जानवरों को समझाया ये सब का सब उस वक्त हुआ है जबकि ये रब ताला की बंदगी में आए थे जब रब के बंदे बने हैं तो फिर सब इनके बंदे बने हैं सब इनके ग़ुलाम बने हैं कायनात इनके लिए मुशर हो गई रब का निज़ाम इनके लिए रुक गया रब का निज़ाम इनके लिए चलने लगा जब हम रब ताला की इबादत में आ जाएंगे उसके गुलाम बन जाएंगे फिर अल्लाह इज़्ज़त हमारी हुकूमत के हमारी सल्तनत के हमारे इकतदार के हमारे गलबे के फैसले फरमाएगा अगर हमें गलबा चाहिए इकतदार चाहिए हुकूमत व सल्तनत चाहिए सरफराजी चाहिए तो ज़रूरी है ईया का नाबदू हम सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह के बंदे बने तो अब से हम तय करें कर्न करीम का सबक सीखने के बाद हम यहाँ कुरान का सबक सीखने ही बैठे हैं अगर हमने कुरान का यह सबक़ सीखा है तो अब से तय करें कि हम पर चलेगी सिर्फ़ अल्लाह की हम पर हुक्म नाफिज होगा सिर्फ़ अल्लाह का हम सिर्फ उसके ग़ुलाम रहेंगे कोई और हमें सबक नहीं सिखा सकता सिर्फ़ अल्लाह ही हमें सबक सिख सबक सिखाएगा इैया का ना बुद्धू व्याया का नस्तीन और अब और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं सिर्फ़ अल्लाह से मदद मदद चाहने का क्या मतलब है मदद दो तरह की होती है इस्तेनत बिलसबाब और इस्तेानत वैरल इसबाब मदद दो तरह की होती है एक सबब के ज़रिए मदद हासिल करना और एक बग़ैर सबब के मदद हासिल करना सबब के जरिए जो मदद हासिल की जाती है वो तो हर शख़्स एक दूसरे की मदद हासिल करता है और एक दूसरे से मदद मांग सकता है जिस पर सबका इत्तेफाक है डॉक्टर साहब से कहना कि डॉक्टर साहब गोली दे दो ये उनसे मदद मांगिए हमने जायज़ है हकीम साहब से कहा दवाई दे दो यह जायज़ है उस्ताद साहब से कहा कि ज़रा हमारे ये सबक के समझने में मदद कर दो हमें पढ़ा दो ये जायज़ है फला काम में हमारा ताउन कर दो सपोर्ट कर दो ये जायज़ है फला जगह हम जा रहे हैं ज़रा आप एक फ़ोन कर दो कि हमारे दोस्त हमारे जानने वाले आ रहे हैं ज़रा आप इनका काम कर दो ये फ़ोन करना ये ये जायज़ अमल है इसलिए कि सबब के साथ मदद हासिल की जा रही है और सबब के ज़रिए मदद हासिल करना जायज़ है लेकिन बग़ैर सबब के इस्तेमानत बग़ैर सबब के किसी से मदद हासिल करना ये सिर्फ़ अल्लाह से मदद हासिल करने की इजाज़त है किसी और से मदद हासिल करना जायज़ नहीं है जैसे डॉक्टर साहब से नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो बल्कि बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मुझे शिफा दे दो मज़ार पर जाकर बाबा से कह रहे हैं कि बाबा मुझे शिफा दे दो मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे दो बगैर सबब के उनसे इलाज मांग रहे हैं सेहत मांग रहे हैं ये जो इस्तेनत है ये नाजायज इसकी इजाजत नहीं है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से अब इस बीच में एक चीज आ जाती है वसीला वसीला तलब करना कि किसी के वसीले से अल्लाह से मांगना क्या है जब मदद अल्लाह के अलावा किसी से हासिल नहीं करना है गैर अल्लाह से नहीं ना खड़े से ना आड़े से किसी से भी नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मदद हासिल करना है तो वसीला क्या चीज़ है लोग बहुत सारे ऐसी मिसालें देते हैं कि भाई अल्लाह तक पहुंचने के लिए इनकी ज़रूरत है अल्लाह तक पहुंचने के लिए इनकी ज़रूरत है जैसे साहब के पास पहुंचने के लिए पिए ज़रूरी होता है और छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी ज़रूरी होती है सीढ़ी के बग़ैर छत पर अचानक तो उछक कर उछल कर तो नहीं जाएंगे सीढ़ी ज़रूरी है ऐसे हाउलाई ये जो हमारे अलिया है ये हमारे सिफारिशी है सारे अलिया ही को सिफारिशी बनाया जाता है हज़रत नू सलाम के ज़माने में पाँच अलिया बहुत मशहूर थे उस ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे उनका नाम था हज़रत वद हज़रत हज़रत यगूस, हज़रत यूक हज़रत नसर रहमत लि ये पाँच बहुत बड़े बड़े अलिया थे इनको सिफारिशी बनाया कौम नूह ने हज़रत नूसलम की कौम ने कहा कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए इनको राज़ी करना पड़ता है अल्लाह तब खुश होंगे जब हम इनके सामने झुकेंगे अल्लाह तब खुश होंगे जब हम इनको राज़ी करेंगे इनको खुश करेंगे तो इनकी नाम की नज़र न्याज करना इनके नाम पर जानवर झिबा करना इनके नाम पर खाने खिलाना और इनकी इबादत करना इनके आगे झुकना ये इनको राज़ी खुश करेगा तो फिर ये अल्लाह को पटा लेगे अल्लाह को मना लेगे महबुद तो अल्लाह ही है लेकिन ये हमारे सिफारिश ही है और कैसे अल्लाह तक पहुँचेंगे बग़ैर सीढ़ी के छत तक थोड़े ही पहुँचते ऐसी मिसालें बयान की जाती है अल्लाह इज़्ज़त छ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिए ऐसी गलत मिसालें मत बयान करो फ़ला तजरबाला अल्लाह के लिए ऐसी गलत मिसालें मत बयान करो अल्लाह छत पर थोड़े ही है कि सीढ़ी से पहुँचा जाए अल्लाह तो अपना मकाम बयान कर रहे हैं नाहन मिन अलि वरीद मैं इनकी शह रग से भी ज़्यादा करीब वो रग जो ख़ून तक पहुँच रही है जो जिस्म दिल से दिल से ख़ून को सारे जिस्म में सप्लाई कर रही है वो शहर अल्लाह फरमारे कि वो शहर रग भी तुम्हारी तुमसे दूर है मैं उससे भी ज़्यादा करीब हूँ तो कौन सी सीढ़ी वहाँ तक जाने के लिए लगेगी फ़लाँ अल्लाह के लिए ऐसी गलत मिसाल मत बयान करो तो अल्लाह रब्ज़त तक पहुँचने के लिए इन सिफारिशियों की शफानाइंद इन सिफ़ारिशियों की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके पास जाए उनके आगे झुके उनको खुश करें तब जाकर हमारी बात अल्लाह तक पहुँचेगी और अल्लाह हमसे राज़ी होगा और ख़ुश होगा मशरिकी ने मक्का का वो दावा वकीदा था अब मशरक़ मक्रत नू आम की कौम वालों की तरह अपने ज़माने के अलिया को सिफ़ारशी बना बैठे हमारे ज़माने के मुसलमान अपने ज़माने के अलिया को सिफारिशी बना बैठे कि ये वली ये हमारे काम बनाएंगे कैसे काम बनाएंगे या गौस दस्तगीर मदद या अली हज़रत अली रज़ी अल्लान को मदद के लिए बुलाना हज़रत पिरान पीर अब्दुल्किर जीानी रमत लाई को मदद के लिए पुकारना और बुलाना बग़ैर वसीले के होता है बग़ैर वास्ते के होता है इसमें सबब नहीं होता है जैसे हम अपने भाई से कहें कि भाई मुझे अव घर तक छोड़ दो तो ज़ाहिर बात है गाड़ी पर बिठा कर छोड़ा जाएगा तो ये तो सबब के ज़रिए मदद हासिल की ये जायज़ है उनसे कहना अलमद बग़ैर सबब के मदद उनसे मांगना ये जायज़ नहीं है वो सिर्फ़ अल्लाह इज़्ज़त से ना किसी नबी से ना किसी वली से ना किसी अली से नबी से ना वली से न अली से किसी से भी मदद हासिल करने की मदद मांगने की इजाज़त नहीं है बग़ैर सबब के उनसे मदद मांगने की इजाज़त नहीं है क्यों नहीं मांगी जा सकती जो शख्स या गौस कहता है वो ये दावा कर रहा है कि गौस मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो हाजिर है वो मौजूद है मुझे मेरी परेशानी में वो देख रहे हैं या अली जो कहता है वो ये दावा कर रहा है कि मुझे अली देख रहे हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो यहाँ हाजिर है या नबी या मोहम्मद जो कहता है वो ये दावा कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं उसे देख रहे हैं वो यहाँ मौजूद है और अल कह कहकर वो ये दावा कर रहा है कि वो मेरी मदद करने पर पूरा इख्तियार रखते हैं जबकि अल्लाह इज़्ज़त क्या बयान फरमा रहे हैं अल्लाह इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे है मिन ही अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकार रहे हो अल मदद Allah को छोड़कर जिनसे तुम मदद मांग रहे हो पुकार रहे हो मा अम्ली फरमारे कि ये सारे के सारे मिल जाए तो मा मिन कितमीर, ये एक कितमीर के भी मालिक नहीं है कितमीर किसे कहते हैं इफ्तार में हम पेंट खजूर खाने वाले हैं थोड़ी थोड़ी देर को खाने पीने की बातें हो तो जरा मजलिस में तरावट रहती है खजूर खाएंगे। खजूर की गुटली में बीच में एक दरार होती है एक गैप होता है और खजूर की गुठली के ऊपर वहाँ से एक छिलका लपटा हुआ होता है कवर होता है कितना हल्का फुल्का कवर होता है कितना कितना नाकिस और कितना कमज़ोर और कितना बेक़ीमत वो कवर होता है ये रमज़ान में हम जितने खजूर खाएंगे पूरे मोहल्ले में घूम फिर कर की खजूरों की गुठलियाँ जमा करें सारे रमज़ान में और उसके कवर को निकाल कर एक जगह जमा करे उसको प्रेस करके अच्छे से रखे जमा करे रमज़ान में पूरे महल्ले की गुठलियों जग को जमा करके हमने कितने सारे कवर जमा कर लिए अब आकर मस्जिद के बाहर या अच्छी मार्केट में दुकान लगाइए कहिए भाई सारे कवर्स दस रुपये में ले लो सारे कवर्स ये दस रुपये में ले लो सारे छिलके हम क्या कहेंगे अरे भाई दस रुपये में चाय बिस्किट हो जाएगा एक वक्त का नाश्ता हो जाएगा क्या बातें कर रहे हो ये छिलके क्या काम के हैं? दस रुपये मैं क्यों ज़ाय करूँ इतने सारे छिलके जमा किए और इतनी मशक्क़त से सारा रमज़ान फिर फिर के जमा किए और उनकी हैसियत ये है कि वो पेट भी ना भर सके एक वक्त के नाश्ते का भी निज़ाम ना कर सके दस रुपये में कोई उसे खरीद ना ले बीस रुपये में कोई उसे ना ख़रीदे ये हैसियत होती है उस छिलके की अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर जो तुम लोगों को पुकारते हो अलमद अलमद वो इतने से छिलके के भी मालिक नहीं है इतने बेहसीत बेक़ीमत छिलके के भी मालिक नहीं है तो जिसकी मिल्कियत और इख्तियार ही नहीं है वो क्या मदद करेगा और एक बुजुर्ग ने तो कितनी बेहतरीन मिसाल बयान फरमाई इस खजूर को और इस छिलके को और इस गुटली को इस मंजरनामे को मिसाल से ले लो जैसे एक खजूर कबर है खजूर एक कबर है और खजूर के अंदर जो गुटली है वो साहेब कबर है और उस पर जो कबर वो छिलका है वो उसका कफन है खजूर गुटली और कवर खजूर क़बर है गुठली साहेब क़बर है और वो छिलका वो कवर उसका कफ़न है वो साहेब क़बर जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारा जा रहा है वो अपने कफ़न के भी मालिक नहीं है वो साहेब क़बर अपने कफन के भी मालिक नहीं है जो अपने कफ़न का मालिक ना हो वो हमारी गमी ख़ुशी का कहाँ से मालिक होगा वो हमारी कामयाबी और नाकामियों का कहाँ से मालिक होगा वो हमें औलाद कैसे देगा वो हमारे काम कैसे बनाएगा जो अपने कफन का भी मालिक नहीं है और ये हकीकत है दुनिया में जितने मसला काफ्ता है, है किसी भी इफ्ता पर यह इस्तीफा दे दीजिए किसी भी दारुल इफ्ता पर जाकर मसला पूछ लीजिए कि अगर कोई कफन चोर किसी का कफन चोरी कर ले किसी खबर को खोलकर उस कबर से उसका कफन चोरी कर ले तो क्या चोर की सज़ा हाथ काटना उस चोर पर ये सज़ा आयद होगी हद जारी होगी सारे मसला कर दारफ्ता ये फतवा देंगे कि उस चोर पर चोरी की हद तो जारी नहीं होगी हाँ कफन खोलना खबर खोलना बहुत बड़ी दरिंदगी की अलामत है बहुत बुरी बात है लिहाजा इसे कोई दूसरी सज़ा जरूर दी जाएंगे लेकिन हाथ नहीं काटा जाएगा हालांकि चोर की सज़ा तो कुरान ने तय की है और मामूली चोर नहीं है दो हज़ार रुपये की चोरी की है कफ़न कोई कम कीमत में थोड़ी मिलता है इतनी बड़ी चोरी कर ली है उसने लेकिन उस कफन चोर को चोरी की सज़ा नहीं दी जाती हाथ नहीं काटा जाता क्यों नहीं काटा जाता इसलिए नहीं काटा जाता है कि चोर पर चोरी का हुक्म उस वक्त लगता है जब चोर ऐसे माल की चोरी करे जिस माल का कोई मालिक हो चोर की चोरी पर हाथ काटने की सज़ा उस वक्त लागू की जाती है नाफिज की जाती है जब चोर कोई ऐसे माल की चोरी करे जो माल का कोई मालिक हो कफन का तो कोई मालिक ही नहीं है कफन का कोई मालिक नहीं है वो साहेब कब्र अपने कफ़न का मालिक नहीं है लिहाजा उस कफ़न की चोरी पर हद भी जारी नहीं होती है सारे मसला किस पर मुतफ़ है तो अंदाज़ा लगाइए कि उस बेचारे का बेचारा ही है इसलिए कि सुबहान अल्लाह नहीं कह सकता है हम आप अल्लाह कह सकते हैं दो रकात नमाज पढ़ सकते हैं नेकियों का अकाउंट हमारा खुला है वो तो अल्लाह भी नहीं कह सकता है उसकी कमज़ोरी और मजबूरी का ये आलम है कि वह अपने कफ़न का इख्तियार नहीं रखता कफ़न का मालिक नहीं है हम कैसे पुकारे उसे अलमदत अलमदत ये सारे अलिया के बारे में कुरान ने बयान किया है लिहाजा इया का ना बुद्धु इया का नस्तीन हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि आज की मजलिस में जितना हमने कुरान पढ़ा जितना हमने क़ुरान सुना कितना कुरान सीखा और समझा हमारे इस अमल को कबूल करके हमारे मसाइल को हल फरमा हमारी परेशानियों को दूर फरमा तो हमने हमारी इस तफसीर की मजलिस का अल्लाह को वसीला दिया कि ला इस अमल के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा हमारी मुसीबतों को हल फरमा तो हमारी ये तफसीर की महफ़िल का वसीला जायज़ है हम दो रकात नमाज पढ़े एक एक रुकू एक पारा तिलावत करें और कहे के अल्लाह इसके वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा हज उमर करे हज उमरे के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा अमल का वसीला और दूसरे नंबर पर इंसान का वसीला और इंसान का भी क्या इंसान के अमल का वसीला कोई नेक बंदा हमारे पास मौजूद है हम कहे कि अल्लाह आपका वो बंदा नेक है आप उसे पसंद करते हैं उसकी इबादतें कबूल फरमा कर हमारी दुआ को कबूल फरमा उसकी नेकी के वसीले उसे उसकी इबादत के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ये वसीला भी जायज़ है इस वसीले का ये मतलब नहीं होता कि हम उस नेक बंदे से कह रहे हैं कि आप हमें हमारी ज़रूरत पूरी दो आप बारिश नाजिल कर दो ये नहीं कह रहे हैं हम उस नेक बंदे का वसीला देकर अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह इस नेक बंदे की नेकी को कबूल करके बारिश नाजिल फरमा हज़रत फ़ारूक आज़म से ये अमल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह मदीन मनवरा में कहद पड़ गया था बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त हज़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास रजी अल्लासोल्ला के चाचाज़ाद भाई मौजूद थे हज़रत उमर ने मजलिस बुलाई दुआ की और कहा कि अपने हबीब के चाचाजा भाई के वसीले से बारिश ना जिलफरमा बस हाथ फेरा है कि बारिश जोरों से होने लगी तो वसीला ये साबित है अमल का वसीला भी साबित है या यूह लदीन अमन वब तवसी ऐमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो यह क़ुरान ने हुक्म दिया तो वसीला आमाल का वसीला है इस आयत मुबारक में किमल का वसीला और उमर फ़ारूक़ के ज़माने का अमल इंसान के वसीले का है वो भी जायज़ है और यहूदियों का एक अमल है यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुआ करते थे मदीने में कि ए ला आखिरी नबी के वसीले से हमें यहाँ के मुशरिकों पर गलबा गलबाता फरमा वो दुआ करते थे ए ला आखिरी नबी के वसीले से हमें यहाँ के मशरकों पर फ़तेह आता फ़रमा गलबा आता फरमा क़र मजीद ने उनकी इस दुआ को इस वसीले को बयान किया और बुराई से नहीं बयान किया अच्छाई से बयान किया कि देखो अभी नबी के आने से पहले तक तो ये नबी ही के वसीले से दुआ मांग रहे थे और अब आ गए तो मुनकर हो गए अब आ गए तो इन्होंने इनकार कर बैठा कैसी हरकतें हैं इनकी अल्लाह रब्लत ने उनके इस वसीले की तारीफ़ की तो इस आयत मुबारक से फाह ने बयान किया है मुफस्सरीन ने बयान किया है कि इस आयत से गैर मौजूद शख्स के वसीले को भी जायज़ करार दिया जाएगा कि मौजूद का वसीला भी जायज़ गैर मौजूद का वसीला भी जायज़ और याद रखिए इस वसीले के अंदर उसके अमल का वसीला है उसकी इबादत का वसीला है उसके तकवे का वसीला है हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि उस व बुज़ुर्ग से कहा जाए उस नेक बंदे से कहा जाए कि आप हमारी ज़रूरत पूरी करो आप हमारी मदद करो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है हरगज यह जायज़ नहीं है लेकिन महज अंदेशे की बुनियाद पर कि किसी शख़्स को अगर इजाज़त दे दी जाए कि हाँ उन फला बुज़ुर्ग का वसीला ले सकते हैं सिर्फ़ अंदेशे की बुनियाद पर कि अगर हमने उसको इजाज़त दे दी तो वो बुज़ुर्ग ही से मांगने लग जाएंगा अंदेशे की बुनियाद पर किसी जायज़ अमल को नाजायज़ नहीं कहा जाएगा हाँ इस्लाह की जाएगी आखिर तक कहा जाएगा कि याद रखो इस वसीले का हरगज़ यह मतलब नहीं है हरगिज ये मतलब नहीं है इस वसीले का कि जिसका वसीला मांग रहे हैं उसी से मांग रहे हैं हरगिज ये मतलब नहीं है देने वाला अल्लाह है उसका इख्तियार है ये ज़बरदस्ती अल्लाह से लेकर दे नहीं सकते हैं कि अल्लाह इज्जत भी अगर जहन्नम में डालने पर फैसला कर दे तो रसोल्ला मजबूर कर देंगे अल्लाह को कि नहीं इसे तो जन्नत ही में डालो हरग़ नहीं अल्लाह पर किसी का जबर नहीं हरगज़ नहीं अल्लाह पर किसी का इख्तियार नहीं है तो ये बात साफ समझ लेना चाहिए कि अल्लाह इज्जत किसी का वसीला वसीले के मजबूर नहीं है किसी वसीले के आगे मजबूर नहीं है अल्लाह बगैर वसीले के अल्लाह से मांगो अल्लाह वैसे भी देते हैं लेकिन वसीला साबित भी है लिहाजा वसीले की इजाजत है कौन सा वसीला आमाल का वसीला सबसे पहले है दूसरे नंबर पर इंसान का वसीला इंसान में इंसान के अमल का वसीला जो मौजूद इंसान है उसका भी वसीला जो गैर मौजूद है उसका भी वसीला अब गैर मौजूद में जो पैदा नहीं हुआ है उसका भी वसीला जो अभी नहीं आया है हम दुआ करें अल्लाह हज़रत इमाम महदी रज़ी के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा बिल्कुल जायज़ है जो नहीं आए अभी उनका भी वसीला दे सकते है और जो आकर चले गए मौजूद नहीं हैं उनका भी वसीला दे सकते है लेकिन फिर याद रखिए कि वसीले व वसीलेलें का हरगज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनसे मांग रहे हैं वसीले का मतलब अल्लाह से मांग रहे हैं उनके अमल उनकी मकबूलियत का अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं कि अल्लाह इनकी बरकत से हमारी दुआ को हमारे मसाइब को हल फरमा कबुल फरमा जो उनसे मांगेगा उसकी हरगज़ इजाज़त नहीं है अमल हराम है ईय क नस्तिन अपने वास्ते को रब त से अपने तल्ल को इस आयत में बयान किया आगे फरमाया एह दिन सरातलमस्तकीम मेरे बंदे चलो अब दुआ मांगो अब बंदे ने दुआ मांगी और कौन सी दुआ है क़रन करीम के सबसे पहले सफ़े पर अल्लाह ने जो सबसे पहली दुआ दर्ज की है वह इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है सबसे पहले सफ़े पर कुरान क़रीम है ये ये कोई आम किताब नहीं है मामूली ये अल्लाह का आखिरी कलाम है और अल्लाह ने अपने आखिरी कलाम में आखिरी मंशूर और दस्तूर और क़ानून के सबसे पहले सफ़े पर जिस दुआ को जगा दी है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की वो है इह दिनतमस्तकीम ए हमारे रब हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा हिदायत इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है इससे बड़ी कोई ज़रूरत नहीं सांस लेना ज़रूरी नहीं है सही लेना ज़रूरी है ये सही ही हिदायत है खाना ज़रूरी नहीं है सही कमाना सही खाना उससे सही काम करना ज़रूरी है तो ये जो सही है उसका सही रास्ता है स़रात मुस्तकीम, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की अल्लाह इज़्ज़त के ख़ज़ाने का सबसे बड़ा ख़ज़ाना सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा इनाम हिदायत है एक दिन सरातलमस्तकीम इसको सबसे पहले जगह दी फिर सरात मुस्तकीम क्या है अल्लाह इज़्ज़त ने कुरान करीम की तफसीर का एक जबता रखा है कि क़ुरान की बाज़ आयतों की तफसील दूसरी आयतों में होती है इनकुर बाज़ा कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ की तफसीर करता है और जिस आयत की तफसीर कुरानी आयतों में ना मिले फिर उस आयत की तफसर रसूल रबी सल अल्लाह वसलम के इर्शादा तो फरामीन करेंगे आका के इर्शाद और फरमान से हमें मिलेगा कुरान का मतलब और मफहूम और क्यों ना हो रसोल अ करम सल्ला वम जिन पर कुरान नाजिल हुआ सबसे ज़्यादा कुरान के समझने वाले आप ही है आपने जो बतलाया वो कर्न की तफ़ी होगी यानि अहादी से कुरान की तफसीर होगी और जो बातों की तफसीर अदीस में भी ना मिले क़ुरान में भी ना मिले उनकी तफसर आसार सहाबा में मिलेगी सहाबा कर रजी अल्लाजमाइन के इरशादात में उनके मलफज़ात में उनके अल्फाज में उनकी तफसीरों के अंदर हमें उन उनामात की तफसलत उनकी तशरीहत उनकी वजाहतें मिलेगी लिहाजा इस दिन सरातलमस्तक़ीम सरात मस्तक़ीम की तफसील हम लेने चलते हैं आइए कुरान मजीद में अल्लाह अल्लाए उ नाम अल्लाह ने आगे फ़रमाया उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह अपने नाम फरमाया स़रत मुस्तकीम किन का रास्ता है उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फ़रमाया किन पर इनाम फरमाया? फ़रमायाक़ीना नाम वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फ़रमाया वो है मिनबीना वद्दीक़ीना व शहदा वाल चार लोग नबीन अल्लाह के सबसे बड़े इनाम याफ़्ता लूक ऐसा इनाम अल्लाह ने उन पर किया जैसा किसी पर नहीं किया मिनबीना वो सदीकिन दूसरे नंबर पर सदीक जो नबियों की इतात करने वाले उनकी तस्दीक करने वाले शुहदा नबी के फरमान पर उसकी राह में जिहाद करके शहीद हो जाने वाले और सालिहीन ने कोकार बंदे जो नबीन भी नहीं है जो सिद्दीकीन भी नहीं हैं जो शहदा भी नहीं है लेकिन उन्होंने कोशिश की ईमान ले आए अमाल का इल्म हासिल किया सुन्नतों का इल्म हासिल किया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं वह है सालिहीन तो ये लोग हैं, इनका रास्ता से मस्तकीम है المغضوب عليهم गैरमिन ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब ना जिल हुआ और ना उन लोगों का रास्ता जिन पर जो गुमराह हुए عليهم कौन है जिन पर अल्लाह ग़ुस्सा हुआ वो है यहूद यहूदी जिन्होंने जानबूझकर हक़ की मुखालफत की रसुलकरम सबूत को वह जानते थे क़र करीम की हक़ानीत और सदाक़त को वह जानते थे आगे हम पढ़ेंगे अल्लाह फरमानेारिफ़ु ना हो कम आरिफु न अब ना ये मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे आखिरी नबी होना जानते हैं जैसे अपने बच्चे का अपना बच्चा होना जानते हैं इतनी सच्चाई और हक़ानियत के साथ ये जानते थे लेकिन फिर इनकार किया जानबूझ कर इनकार करने की वजह से अल्लाह ने इन्हें मकजूब आलिम कहा का उन पर ग़ुस्सा हुआ और भटके हुए राह से गुमराह जिन्होंने जानबूझ कर नहीं इख्तियार की जहालत की वजह से गुमराह हो गए वह नसारा ईसाइयों के पास उतना इल्म तो नहीं है जितना यहूदियों के पास है लेकिन फिर भी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की बेखबर रहे गाफिल रहे और गफलत में उन्होंने सही रास्ते को अख्तियार नहीं किया गुमराह हो गए उन्हें कहते हैं जालीन अल्लाह ने फरमाया कि इन दोनों के रास्ते से बचने की दुआ करो और किन का रास्ता इख्तियार करो किन के रास्ते की दुआ करो मुन अलैहिम अल्लाह रब्बल इज़्ज़त के इनाम याफ़्ता बंदे देखिए अंदाज़ा लगाइए अल्लाह रब्बल इज़्ज़त ने हिदायत की राह पर चलने के लिए हिदायत की राह का पता बतलाने के लिए क़ुरान करीम का पता नहीं दिया अगर अल्लाह चाहते तो फरमा सकते थे ए दिन मुस्तकीम सरातल क़ुरान अगर अल्लाह चाहते तो हदीस का रास्ता बतलाते ही दिन सरातलमस्तकीम स़रातलक़ुर वहदीस दो ही लफ्ज़ में काम हो जाता लेकिन अल्लाह रब्ल्ज़त ने दो आयतें बयान कर दी सरातलनाम तलबूब आलिमीन दो आयतें बयान कर दी दो, दो, दो लफ्ज़ से काम चल सकता था अल्लाह ने हिदायत का पता बताने के लिए किताबों का पता नहीं बताया अल्लाह ने हिदायत का पता इंसानों की तरफ बताया कि इंसानों से हिदायत मिलेगी हिदायत का रास्ता इंसानों से मिलेगा एह दिन सरातलमस्तकीम सिरातल लज़ीना नाम तिम अगर क़ुरान तन्हा काफ़ी होता हिदायत के लिए तो अल्लाह पहाड़ पर इसे उतार देते हमारे आप के सब के घर में एक एक क़ुरान उतार देते जो ज़बान हमें आती है उस जबान के तर्जुमे के साथ उतार देते महमद मुस्तफा को नाजिल ना करते महम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना इस बात कीत है कि क़र्न तनहा हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है महम्मद रसोल्ला की भी ज़रूरत है और अगर सिर्फ़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के लिए काफ़ी हो जाते तो अल्लाह कुरान को नाजिल न करता लेकिन क़ुरान ना भी नाजिल हुआ तो पता चला कि कुरान भी हिदायत के लिए ज़रूरी है तो पता चला कि किताबुल्लाह और अल्लाह की किताब और अल्लाह के बंदे इन दोनों को सामने रख कर हिदायत मिलेगी इन दोनों को साथ लेकर हिदायत मिलेंगी क्या मतलब हुआ रजाल के सामने बैठ कर किताबुल्लाह से हिदायत हासिल करो सरातीना और रजाल कौन है मिना सिद्दीक़ीन सद्दीक़ी शहदा और सालिहीन नबियों का दौर तो हमें नहीं मिला हम नबी के सामने नहीं बैठ सकते सिद्दीक़ीन अल्लाह हमें भी सिद्दीक़ीन के सामने बिठाने की तोहफ़ी अता पर बैठने की तोफ़ी दे दे बिठा दे अल्लाह हमें उनके सामने अल्लाह मिला दे हमें भी सिद्दीकीन से क्यामत तक यकीनन सिद्दीकीन भी रहेंगे शहदा जो शहीद हो जाए अल्लाह की राह में और सालिन साल तो हर बंदा कोशिश कर सकता है नेकोकार बने क़ुरान करीम का सही इल्म हासिल करे से उसका इल्म हासिल करे कुरान के अल्फाज को उसके मानी को उसके मजामीन को उसके अमल की शक्लों को से हासिल करे उस पर अमल करने की नेकी की कोशिश करे गुनाह हो जाए तो तौबा करे फिर नी करे फिर गुनाह हो जाए फिर तोबा करे लगे रहे जिंदगी भर नेकी की राह हो पर यह यहन तो सालिहीन के सामने बैठकरी कर से हिदायत हासिल करना और मकजूब और से बचना उनके रास्ते से बचना मकजूब आलिम कौन है और जालीन कौन है मकजूब यहूद जिन्होंने नबियों की इतबा में और नबियों का हक़ अदा करने में हद से ज़्यादा कोताही की इतनी ज़्यादा कोताही की कि एक एक वक्त में सत्तर सत्तर नबियों को शहीद कर दिया इतनी ज़्यादा कोताही की नबी के हक़ में रज़ाल को मानते ही नहीं थे नबियों की अहमियत को मानते ही नहीं थे समझते थे किताब हमारे लिए काफ़ी है और जब किताब उनके हाथ में आई तो फिर क्या किया युहर रिफूनलकली मवाजही ही क़ुरान के अल्फ़ाज़ को उनके किताबों के अल्फ़ाज़ को उसके मज़ामीन को उसके मतलब को बिगाड़ कर रख दिया अल्फ़ाज़ का उलट फेर कर दिया जो बात अपने को नहीं पढ़ी उस पर उंगली रख कर पढ़ते थे उस लाइन पर उंगली रख देते थे यहाँ से यहाँ तक पढ़ते थे फिर उसके आगे पढ़ते थे उसको छुपा लेते थे जो अपने मर्ज़ी का नहीं होता ये उन लोगों की कैफियत तो हालत होती थी नबियों की नकदरी की और किताबों में फिर बदल कर दिया अपनी मर्जी के मतलब उसमें निकालने लगे जानबूझकर, यानी इल्म के जरिए गुमराह हुए पढ़ कर चार किताबें पढ़कर गुमराह हुए मकजूब अल ख़ास यहूदियों के साथ थोड़े ही खास है जिनके अंदर ये यहूदियों की खसलतें और आदतें आ जाए कयामत तक वो सारे इसके अंदर शामिल है अल्लाह रबत से दुआ करना है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते से बचाओ जिन्होंने इल्म हासिल किया फिर गुमराह हुए जिन्होंने नबी के हक़ में कोताही की हद से ज़्यादा कोताही की और जुल्म किया वो मकजूब आम और जालीन कौन है ईसाई जिन्होंने नबी के हक़ हाँ में हद से ज़्यादा गलू किया इतना गुलू किया कि नबी को अल्लाह का बेटा बना लिया नबी को अल्लाह बना लिया नबी को ख़ुदा में से तीन में से एक बना दिया खुदा तीन का एक एक का तीन है नबी ही खुदा है ईसा ही खुदा है ईसा ख़ुदा के बेटे हैं ये सारी बातें करके उन्होंने नबी की मोहब्बत और हक़ हाँ के अंदर हद से ज़्यादा गुलू किया तो हक़ में कोताही करने वाले वो मकजूब आलिम और हक़ में गुलू करने वाले वो वालीन अल्लाह ने उन दोनों के राहों से बचने का हुक्म दिया तो दोनों की राहों से बच जाए तो कौन सा रास्ता बचता है दोनों से बच जाए तो अतदाल का रास्ता बचता है बीच का रास्ता ना गुलू का रास्ता ना कोताही का रास्ता दोनों के बीच में है अतदाल का रास्ता सही रास्ता दरमियानी रास्ता दरमियानी रास्ते पर चलना ये कौन सा रास्ता है दरमियानी रास्ता यह है मा ही वा साहबी ये रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ग़ुलामान ने सहाबा का गुलाम UH, सहाबा साहबा कराम का रास्ता ये है दरमियान का रास्ता रसूलुल्लाह और सहाबा के रास्ते को छोड़ देंगे तो या तो गुलू कर लेंगे या तो कोताही कर लेंगे इन दो में से एक काम होगा के बारे में रसूल रबी वसल्लम ने इशात फरमाया बंदा जब सूरतलफ़ाहा पढ़ता है नमाज में यह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह इज़्ज़त जवाब में फरमाते हैं हमदनी अब्दी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की बंदा कहता है अर अर रहमान रहीम अल्लाह जवाब देते हैं असना अब्दी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन अल्लाह जवाब देते हैं मज्जदानी अब्दी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की जब बंदा बयान तिलावत करता है इया का ना बुद्धुया का नस्ताइन अल्लाह कहते हादा बैनी व बैना अब्दी ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एग्रीमेंट है जब बंदा कहता है ए दिन सरातलमस्क़ीम सरातलानमता अल्लाह कहते हैं हादा बैनी व वैना अबी वली अबी मा सला मेरे बंदे ने मुझसे जो मांगा मैंने उसे अता किया तो नमाज़ में हम शुरहा पढ़ रहे हैं और माशा अल्लाह हमें जवाब दे रहे हैं तो सुर फ़ातहा तो कैसी शान से पढ़ना चाहिए अल्लाह हमारे खसूरों को माफ़ फरमाए हमारी एक सांस में सुर फातिहा पढ़ने को अल्लाह माफ़ फरमाए तीन पारे भगा भगा कर पड़े हैं और एक सांस में सरे फातिहा पूरी पढ़ ली है कैसा मज़ा लेके पढ़ना चाहिए था कि अल्लाह हमारे हर जुमले का जवाब दे रहे रबालमीन हमदनी आपदी अर्रह्मा रहीम अल्ला करेना अब्दी बंदा कहे मालिक यौमुद्दीन अल्लाह कहे मज्जदनी अब्दी बंदा कहे इया का नाबुद वैया का नस्तईन अल्लाह कहे हादा बैनी व बैनी व बैन अब्दी बंदा कहे सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलाज़्ज़ालीन अल्लाह कहे वली अब्दी मा साला बंदे ने जो मंगा मैंने उसे दिया आइए अहद करिए कि इन हम नमाज़ों के अंदर सूरतलफ़ात को इस यकीन के साथ इस एहसास के साथ इस ध्यान इस तेजार के साथ इस नीयत के साथ पढ़ेंगे कि हम अल्लाह रब्ल्ज़त से बात कर रहे हैं और मेरे अल्लाह मुझे जवाब दे रहे हैं सबसे बड़ा नंबर लग गया है मेरा कनेक्ट है कॉल पर है सबसे बड़ा नंबर लगा हुआ है और उधर से रिप्लाई आ रहा है क्या बात है क्या शान है कि उसका जवाब मुझे मिल रहा है और दिन में पांच वक्त मिल रहा है और हर रकात में मिल रहा है हर रक़ात में मिल रहा है मुझे उसका जवाब लिहाजा अल्लाह इज़्ज़त के के इस ध्यान के साथ हम नमाज में तिलावत करें उसके अलावा तिलावत करें सूरतुल सूरतलफ़ाहा के मज़ामीन को सीखे उसे याद करें तोहद का सबसे बड़ा दर्स और सबक सरे फातहा ने हमें सिखाया हिदायत की दुआ हमें सुरफा ने सिखाई हिदायत की सबसे बड़ी अजमत हमें सरेफ फातहा ने सिखाई और हिदायत की अहमियत हमें सुर फातहा ने सिखाई कि हिदायत कितनी बड़ी चीज़ है यहाँ दुआ मुकम्मल हो गई गईन पर दुआ मुकम्मल हुई अब फरमाया कहो आमीन आमीन का मतलब होता है अल्लाह ऐसा ही करे गौलिन तक तो आयत थी क़रन करीम का हिस्सा था आमीन कहने का हुक्म हदीस पाक में है कि आमीन कहो अल्लाह ऐसा ही करे आमीन कबूल हो गई और कबूल हो नहीं थी जब अल्लाह ने ख़ुद बतलाया हमें ख़ुद अल्लाह ने बतलाया चलो लिखो एप्लीकेशन लिखो क्या लिखना है ये 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 लिखो लिख दिया अब टेबल पर रख दिया बॉस क्या कहेंगे ये क्या लिखा है ले जाओ वापस नहीं कबूल करते हो सकता है ऐसा हम अपनी मर्जी से कुछ तो भी लिख कर ले आए तो इम्कान है ये क्या लिखा है हटाओ वापस खुद बॉस लिखा है खुद ऑफ़िसर लिखा है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो तो वो तो कबूल करने ही के लिए लिखाया है अल्लाह ने जब ख़ुद कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो और कहो मालिक योद्दीन कहो अल्लाह ने ख़ुद कहा तो कबूल करने के लिए कहा और फिर कहो आमीन के अल्लाह ऐसा ही करे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने हिदायत की दुआ हमारी कबूल की और कहा ले हिदायत कहाँ है हिदायत हिदायत शुरू हुई बिसमिल्रिम यह सूरतुल्फ़ा और सूरतुल्बरा का आपस का रब्त है अल्लाह ने हिदायत शुरू की यह लाम मीम से लेकर मिनल जन्नति व वन्नाज़ तक सारी हिदायत तुम्हें जो चाहिए था ना ज़िंदगी गुजारने का क़ानून और दस्तूर और मंशूर तरीक़ा सलीका हिदायत हमारी नेमतों के इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा तुम्हें चाहिए था लो अलिफ लाम मीम से नास तक पूरी की पूरी हिदायत है अलिफ लाम मीम। अलिफ मीम, लाम मीम क्या है अलिफ लाम मीम उससे पहले सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उससे पहले भी लिखा हुआ है जैसे अभी बात बतलाई गई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुरान की मुस्तकिल आयत है जो अल्लाह ने सूरतों की बरकत के लिए हर सूरत से पहले रख दी है अगर से इमाम शाहफ़ी उसको उस सूरत की पहली आयत मानते हैं इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि नहीं उस सूरत की आयत नहीं क़ुरान की आयत है कुरान की मुस्तकिल आयत है उस सूरत की नहीं है इसलिए तरावीह में हाफ़ि साहब एक सूरत से पहले रहमानिर रहीम उसी आवाज़ से पढ़ते हैं आपने भी गौर किया होगा सुना होगा एक सूरत से पहले रहमानिर रहीम ऊँची आवाज़ से हाफिज साहब पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं इसलिए कि सारा क़ुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ा गया एक बिसमीम बाकी रह जाएंगी वो भी तो कुरान की आयत है वो भी पढ़ी जानी चाहिए तो किसी एक सूरत में बसमलर रहीम ऊँची आवाज़ से पढ़ना यह इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह रम्आ के यहाँ ज़रूरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ एक सूरत से पहले बिसमीम ऊंची आवाज़ से पढ़ लेते हैं अलफ़लाम मीम अलिफ्लाम क्या है यह हैफ़ मत हरूफ मुत इसके बारे में इसके मानी और मतालिब के बारे में इसके मफ़ाहिम के बारे में मुफसरन के दरमियान अख्तिला है मुकत्त ये मक् से है मक्ता का मतलब काट कर अलग करके पढ़ना किसी चीज़ से काट देना जैसे किसी शख्स का नाम है ज़िया किसी का नाम है तो उसके ज़िया के नाम में से Z को निकाल देना यह उसके ज़िया Z I Y A में से Z उसका मकता है काजी Q U A Z I काजी उसका क्यों कट कर देना यह उसका मक्ता है तो जेड क्यू ज़िया काजी इस तरह से फ़हीम किसी का नाम है उसका एफ़ कट कर देना यह उसका मक्ता है जैसे बहुत सारे नाम होते हैं जिसमें लोग पहला नाम अपने नाम का पहला हर्फ दूसरे नाम का दूसरा हर्फ पहला हर्फ कट करते हैं और सर नेम को लिख देते हैं जेड एफ़ खाजी इस तरह से कह देते हैं कि ज़िया फ़हीम खाजी ये एक अंदाज़ एक तरीक़ा होता है इसको मक्ता कहते हैं ऐसे ही अलिफ लाम मीम भी मक्ता है अलिफ लाम मीम भी मक्ता है अलिफ़ किसी का मकता है लाम किसी का मक्ता है मीम किसी का मकता है और ये कोड वर्ड होता है ये उसी को समझ में आता है जिसको उधर मालूम है जिसको उधर पता है इसलिए बाज़ मुफसरन कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को पता है कि ये किस हर्फ का मकता है लाम, मीम किस हर्फ का मकता है कि ये सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम और बाज मुफसरण कहते हैं कि ये अल्लाह और उनके रसूल सल्ला वसम के दरमिया एक राज है उन दोनों के कोटवर्ड्स है मुफसरन ने बाज़ ने कहा कि अलिफ़ला मीम ये असमायला है अल्लाह इज़्ज़त के नाम है तो अब इसमें दो गिरोह हो गए एक कहता है कि अलीफ लाम मीम अल्लाह का नाम है पूरा का पूरा और कोई कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नामों के मक्ता है अलीफ से अल्लाह का एक नाम है अल्लाह लाम से अल्लाह का एक नाम है लतीफ़ मीम से अल्लाह का एक नाम है मालिक तो अल्लाह लतीफ़ और मालिक इन तीनों का मक्ता है लाम, मीम और मालिक भी है और मुंतकम भी है और भी मीम से अल्लाह रब मी है अल्लाह इज़्ज़त के नाम मीम से है तो अल्लाह के नामों के मक्ता है ये हरूफ अलग अलग अलिफ लाम मीम बस कहते हैं पूरा अलिफ लाम मीम अल्लाह का नाम बस कहते हैं कि अल्लाह के नाम का मक्ता अलिफ लाम मीम और भी बहुत सारे मुफसरिन ने अलग अलग, अलग इशारा दिए हैं जैसे सूरत आरफ़ हम पढ़ेंगे उसमें अलिफ लाम मीम आएगा अलिफ लाम मीम सौद इसमें अल्लाह रब्ज़त इशारा दे रहे हैं कि इस सूरत के अंदर चार नबियों के वाकयात ग़ौर से पढ़ो अलिफ़ से आदम का वाकया लाम से लूत लूतम का वाकया मीम से मूसा सा। का वाक़ सऊद से साल आलाम का वाकया इसको अहतमाम और ग़ौर से पढ़ो इस तरफ इशारा दे रहे हैं कोई कहते हैं कि ये सूरत का नाम है गरज़ ये कि इसके पहुंचने तक इसे समझने तक इसके फहम तक जाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई लेकिन वल्लम ब मुरा ही इसका हकीकी मंशा और मुराद क्या है ये तो अल्लाह जानते हैं अल्लाह इज़्ज़त को इसका इल्म है रसोल रबी सल्लम ने इशाद फरमाया जब बंदा क़र करीम की तलावत करता है तो क़र करीम की तिलावत के हर हर हर्फ हर पर इसे दस नकियाँ मिलती है पढ़ने पर दस ने की सुनने पर दस ने की मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ़ एक हर्फ लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ तो अलिफ लाम मीम तीन हरूफ हुए और तीनों हरूफ की ऊपर तीन तीन हरूफ पर तीस ने किया तो ऐसे ही मिल गई अलिफ़ लाम मीम पर तीस ने किया तो कौन सी ने किया है ये ये आम दिनों की ने किया है सीज़न की तो ने किया कुछ और ही होती है रमज़ान तो एक के सत्तर दिल आता है तो अब तीस से सत्तर लगा लीजिए अल्लाह इज़्ज़त कितना इनाम फरमाते हैं अलिफ लाम मीम पर आगे फरमाया हर्फ मुखात ये पहली आयत है मुस्तकिल आयत है आगे फ़रमाया जाल किताब लारई बफ़ी बस इतनी आयत की तफसीर होंगी जाल किताबु ला लारई बफ़ी जालिका जालिकल किताब ये वो किताब है ये वो किताब है लारई बफी जिसमें कोई रैब नहीं है जिसमें कोई रैब नहीं है यानी इस किताब के हक़ होने में इसकी रहनुमाई के सच होने में इसकी बतलाए हुए रास्ते के जन्नत तक पहुँचने में अल्लाह की मर्जियात और नामर्जियात का तारुफ देने में इसके हक होने में कोई रैब नहीं है रैब किसे कहते हैं रैब कहते हैं शक को और शक भी शक को कहते हैं अरबी जबान में शक भी शक के लिए इस्तेमाल होता है रैब भी इस्तेमाल होता है मिरिया भी इस्तेमाल होता है रैब उस शक को कहते हैं जो एक लम्हे के लिए आए और ख़त्म हो जाए एक लम्हे के लिए शक आया और ख़त्म हो गया उसे रैब कहते हैं अल्लाह फरमारे कि क़ुरान के हक होने में एक लम्हे के लिए भी शक नहीं है और जिस शख्स का ईमान इस आयत पर आ जाए कुरान के बारे में शक दिल से निकल जाए सारा कुरान उसके लिए हिदायत होगा अगर क़ुरान की इस पहली आयत पर सूरतुलबकरा की इस पहली आयत पर जालिकल किताबारफ़ी इस पर अगर ईमान कामिल नहीं हुआ दिल में कोई रैब रह गया दिल में कुछ कजी कुछ कुछ गलती और कोई शक बाकी रह गया तो अब ये सारा कुरान हिदायत का नहीं गुमराही का सामान करेगा कुरान कहता है युजिल्लुबिही कसीर उयादि बिही कसीरा अ इसी कुरान के ज़रिए बहुत सो को गुमराह करता है इसी कुरान के ज़रिए बहुत सो को हिदायत देता है हिदायत किसे मिलती है जिसके दिल से कुरान के बारे में शक निकल गया उसे सारा कुरान हिदायत देगा और जिसके दिल में शक बाकी रह गया उसके लिए सारा कुरान गुमराही का सामान करेगा अल्लाह रब्ज़त हम सब के लिए कर्न करीम को हिदायत बनाए कर्न करीम के बारे में हमारे दिलों से शक को निकाल दे बहुत सारी ज़रूरी बातें जो सारे कुरान में रिपीट होगी वो सूरतलफ़ात के जैल में बयान कर दी गई अब आइंदा मजलिस से हम इंशाल्लाह एक रफ्तार के साथ एक स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा वजाहतें करने के बजाय एक रफ्तार के साथ चलेंगे जो बातें हो गई है उसे रिपीट नहीं किया जाएगा आइंदा मजलिस में इंशाल्लाह तेज़ी के साथ हम ज़्यादा सबक पढ़ते हुए चलेंगे अल्लाह इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाएँ सही फाहमता फ़रमाएँ जो कुछ कहा गया सुना गया हमारे लिए ख़ीर नजात बनाएँ आख़िरत का ज़खीरा बनाएँ हम सब के लिए वसीले नजात बनाएँ ان سبب عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسی طرح دینی علمی اصلاحی اور دروس وبيانات بیانات سے आपके इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें